वाला वेरी गुड आफ्टरनून। चार टॉपिक कवर कर रहे हैं आज हम। काइनेटिक एनर्जी, ये तो आपको बचपन से पता है, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, खत्म। वेरी गुड। पोटेंशियल एनर्जी आपको बचपन से पता है, एम जी एच होता है, राइट। और आपने क्लास नाइन्थ में ये भी सीख रखा है, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, खत्म। तो आज के तीन टॉपिक डन, राइट। सीधा शुरू करेंगे हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब मैंने ये तीन फॉर्मूला सिखाया, तो कल के आपके जो डाउट थे वो आप उससे सॉल्व कर लेना, एक बार ट्राई कर लो, हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये जो टॉपिक है और ये जो टॉपिक है, ये दो साल तक कंटिन्यूअसली किसी ना किसी फॉर्मेट में आपके सामने आता रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग 3 घंटा सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पे बात करें। नेक्स्ट ईयर इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में 3 घंटा हम लोग सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पे बात करें। और भी पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता रहेगा, इक्विलिब्रियम और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बार बार आता रहेगा। So once and for all, you will understand what is equilibrium and what are 3 types of equilibrium. ठीक है? Please note करना, दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा important. हर चैप्टर में इस पर डिस्कशन होगा कहीं ना कहीं। Let's begin with kinetic energy. Kinetic energy के बारे में आपको क्या क्या पता है? It is the energy possessed by a body in motion. है ना? It is the energy possessed by a body in motion. Very, very simple. हम सबको पता है. Very good. Yes, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हम सबको पता है बचपन से, हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मास और वी इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। यस, काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं ई से डिनोट करूं, तो अगर मास इंक्रीज होता है, इफ द मास इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। If velocity increases, kinetic energy will increase. सीधी सीधी बात है। Simple questions अगर इस पे करा दे, एकदम बच्चों वाले, okay? So question number one, if velocity is doubled, yes, then what will happen to kinetic energy? Very good. So बच्चों, kinetic energy 1 upon kinetic energy 2. पहला काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वेलोसिटी को डबल कर दिया, है ना। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, वी स्क्वायर गया 1/4। सो काइनेटिक एनर्जी 2 विल बी 4 times ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1। क्या किसी को इसमें कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई वरी है बच्चों? पक्का? यस। व्हाट विल हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी इफ वी इज V is 1/3, yes, V को हमने 1/3 कर दिया। If V is reduced to 1/3 of its value, 1/3 of its value, है ना? Very good. So kinetic energy 1 upon kinetic energy 2 is half mv square upon half m v by 3 का square. वेरी गुड। ये सब कट गया, वी स्क्वायर 9 ऊपर चला जाएगा और 9/1 आएगा। सो काइनेटिक एनर्जी 2 विल बी काइनेटिक एनर्जी 1/9। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस ऑन काइनेटिक एनर्जी जो बचपन में आया करते। यस, एंड काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा सा कुछ देखते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अगेन 9th standard 10th standard का रिवीजन चल रहा है। देयर इज अ कार, ओके, ऑफ मास m, ठीक है, इनिशियली एट रेस्ट, या इनिशियल वेलोसिटी u ले लो, इनिशियल वेलोसिटी u, एंड ये चल रही है, इसके ऊपर लगाया हमने एक फोर्स, इस पे फोर्स लगाया तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया मान लो f, और वेलोसिटी इंक्रीज होगा उसका, तो एक्सेलरेशन है मान लो a, और टाइम t में उसका वेलोसिटी हो जाता है v। यस, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। सो कैन आई से फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन? यस।
अच्छा और क्या बोल सकता हूं मैं, और मैं बोल सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा इससे पहले कैन आई अप्लाई इक्वेशंस ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ओके, तो मैं बोल सकता हूं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। वेरी गुड। इनिशियल वेलोसिटी में जीरो मान रहा हूं फिलहाल, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, तो मेरा हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2a, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। वेरी गुड। तो मेरे पास दो फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय a, s इज इक्वल टू ma, एकदम सिंपल कहानी चल रही है। वेरी गुड। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, यहां पर तो बच्चों थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो कोई टेंशन नहीं है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स के बदले में डालता हूं ma और डिस्प्लेसमेंट के बदले में डाल देता हूं v स्क्वायर अपॉन 2a। वेरी गुड। हाफ से हाफ कटा, वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर ओके, वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चों ये जो वर्क डन है ना, वही उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बनकर के स्टोर हो चुका है, एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। आप बोलोगे कैसे, हमने कल ही सीखा थोड़ा सा कुछ, तो आ जाओ देखो एक दो छोटी छोटी चीजें बताता हूँ, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम बच्चों वाले, लिटरली बच्चों को जैसे सिखाता हूँ वैसे ही सिखा रहा हूँ, ऐसे मान लो ये है एक कार, ठीक है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, तो आप बोलोगे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि इसमें कोई वेलोसिटी नहीं है ओके, इसको फोर्स लगाया तो यहां पर इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, और इसकी वेलोसिटी बढ़ करके हो गई मान लो v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी बढ़ गई तो एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई मतलब एनर्जी क्रिएट हो गई, एनर्जी तो क्रिएट हो नहीं सकती तो एनर्जी आई कहां से, यहां पर एनर्जी कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, या मान लो एम की वैल्यू है सर, बेसिकली मैं वर्क एनर्जी थ्योरम की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, डिटेल में बता देता हूँ, पहले शॉर्ट में फिर आगे के पेज में ऑलरेडी टॉपिक है, डिटेल में देखता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है ओके, फाइनल वेलोसिटी फोर्स लगाया तो मैंने उस पर काम किया, वर्क डन किया ना मैंने, वेरी गुड, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो एस हो गया और फाइनल वेलोसिटी वी हो गया। यहां पर काइनेटिक एनर्जी वॉज जीरो, यहां पर काइनेटिक एनर्जी वॉज हाफ एम वी स्क्वायर, इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गया मतलब एनर्जी क्रिएट हो गया, एनर्जी तो क्रिएट हो नहीं सकता, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो ये एनर्जी आई कहां से, किसी ने उसके अंदर एनर्जी डाली होगी, किसने डाली, मैंने डाली है ना, मैंने उस पे वर्क डन किया, तो भैया मेरी एनर्जी कम हो गई, यस कम हो गई तो गई किधर, एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, मेरी एनर्जी उस कार के अंदर काइनेटिक एनर्जी बोल करके कन्वर्ट हो गई। यस हम अज्यूम करेंगे अभी के लिए कि और कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है, लॉस नहीं होता है, हीट ये वो फ्रिक्शन विक्शन साउंड एनर्जी ये वो कुछ नहीं है, राइट, तो मैंने मान लो उस पर 100 जूल का वर्क किया है ना, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैंने कुछ फोर्स लगाया, तो 100 जूल का वर्क डन किया तो वो मेरा एनर्जी 100 से कम हो गया, तो एनर्जी गया किधर, वो एनर्जी इस कार के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यस मतलब जो वर्क डन है वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यस तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यस तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन नोट हियर, नोट द फैक्ट कि हमने यहाँ पे यू को जीरो माना था है ना, इसीलिए हमारा वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, ये देखो वर्क इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमने अज्यूम किया कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हमने क्या अज्यूम किया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्या इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होगा, जी हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं, यहां से आता है बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम, बोलता है
कि द नेट वर्क डन, प्लीज ध्यान देना, द नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब क्या, अभी के लिए मैं एक फोर्स लेता हूं सिर्फ, ये देखो बच्चों, ये यहां पर कार, इसका मास मान लो 100 kg, इसका वेलोसिटी मान लो 10. यहां से मैंने लगाया एक फोर्स, फोर्स लगाने से इसका वेलोसिटी इंक्रीज हो गया और इंक्रीज होकर के हो गया मान लो 20 meter per second. वेरी गुड. यहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर, विच इज हाफ इंटू 100 × 10^2. तो ये हो जाएगा 5000 joule. वेरी गुड. यहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाफ एम वी स्क्वायर. वेरी गुड. सो हाफ इंटू मास है 100 × 2^4, ये हो गया 50, विच इज 20,000 joule. वेरी वेरी सिंपल. वट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मैं लिखता हूं डेल्टा के ए, इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, विच इज 20,000, यस, माइनस 5,000, दैट इज नथिंग बट 15,000 joule. इतनी काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज हो गई है कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी में इतना इंक्रीज हो गया. ऐसे कैसे इंक्रीज हो गया, एनर्जी इंक्रीज हो गई, कहां से आई, कहां से आई, आई कहां से, आई यहां से. ये मैंने उस पे वर्क डन किया, वर्क डन करने की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर. तो बच्चों किसी की एनर्जी अगर कम होती है तो किसी की एनर्जी बढ़ जाती है ना. क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है सिर्फ, एनर्जी का लॉस नहीं हो सकता. तो जो काम करता है, द पर्सन हु इज डूइंग वर्क, उसकी एनर्जी यहां पे कम हो गई, और जिसके ऊपर काम किया गया है उसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, जिसके ऊपर काम किया है उसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई. मतलब ये वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. तो क्या यहां से मैं बोल सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम. जो वर्क आप करते हो वो उस बॉडी के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, ये वर्क कौन सा वर्क डन है, यहां पर तो हमने सिर्फ एक फोर्स लगाया जिसको मैं बोल दूंगा एफ एक्सटर्नल, है ना. जरूरी है क्या एक ही फोर्स है वहां पर, नहीं बच्चों, वहां पर ढेर सारे फोर्सेस हो सकते हैं, यस. और हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं, है ना. सो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. कौन से वर्क डन हो सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस. अब वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स क्या होता है ये मैं कभी बताऊंगा आपको, कभी मतलब अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, प्लस वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस बोल दो, फ्रिक्शन बोल दो, है ना, एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं हम अभी के लिए, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन बाय टेंशन कोई भी हो सकता है, सारे फोर्सेस का वर्क डन मिला करके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज वर्क एनर्जी थ्योरम. तो वर्क एनर्जी बोलता है कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. यहां पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ 15,000, लेकिन पिछले एग्जांपल में यस काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है क्या एक्चुअली, नहीं बच्चों, ये भी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, है ना. तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यस, तो ये वैल्यू जीरो हो गई, तो बचा सिर्फ ये. तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा क्या बोलेगा, द नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इंटरनल एक्सटर्नल ग्रेविटी टेंशन इन सम फोर्स, इन सब का मिला करके जो वर्क डन है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ
चेंज इन केमिकल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। क्या सब बच्चों को वर्क एनर्जी थ्योरम अच्छे से समझ में आया? एवरीबॉडी, किसी को कोई डाउट है वर्क एनर्जी थ्योरम? यस सर। पक्का? आ जाओ, कुछ क्वेश्चन करें वर्क एनर्जी थ्योरम पे। ओके, लेट्स ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन ऑन वर्क एनर्जी थ्योरम। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 20 meters। ओके, ये ऑब्जेक्ट है, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर से नीचे गिरता है, तो ये हाइट हो गया इसका 20 meters। इनिशियल वेलोसिटी 0, फॉल्स फ्रॉम रेस्ट बोला है, और इसका मास दे रखा है 5 kg। ओके, एंड अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 10 meters per second, तो इसका यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 10 meters per second। हाउ मच वर्क इज डन बाय रेजिस्टेंस ऑफ एयर ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेजिस्ट, ऑब्जेक्ट पर एयर रेजिस्टेंस कितना काम करता है? ओके, हमारे पास है वर्क निकालने के 3 तरीके। नंबर 1, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, है ना, तो हम क्या बोलते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वेरी गुड। क्या यहां पर फोर्स गिवन है? नहीं गिवन है, तो मैं ये तरीका यूज नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे पास दूसरा तरीका है एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, तो आप चाहो तो एरिया अंडर द ग्राफ का ग्राफ बना लो फॉर एन ऑब्जेक्ट जो नीचे गिर रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि हर जगह वेलोसिटी चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, और आपको एयर रेजिस्टेंस का निकालना है, तो एयर रेजिस्टेंस के फोर्स का ग्राफ कैसे बनाना है? ठीक है, और एक है इंटीग्रेशन, ये 3 हमने सीख रखे हैं। आज हम सीख रहे हैं चौथा तरीका, जब ना ही आपको फोर्स गिवन है कुछ नहीं, बट आपको काइनेटिक एनर्जी का चेंज पता है, बिल्कुल पता है। बच्चों, कैन आई राइट एफ नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? वेरी गुड। कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पे वर्क डन कर रहे हैं? मेरे हिसाब से यहाँ पर ग्रेविटी वर्क डन कर रहा है। देखो ना यार, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है ना उसको, तो ग्रेविटी का वर्क डन है। प्लस मेरे हिसाब से क्योंकि उन्होंने बोला है एयर रेजिस्टेंस, तो एयर रेजिस्टेंस भी वर्क डन कर रहा है। उसके अलावा मुझे तो कोई और फोर्स काम करता हुआ दिख नहीं रहा है, ना स्प्रिंग है तो ना स्प्रिंग फोर्सेस है, ना टेंशन है, ना कोई एक्सटर्नल फोर्स है, नथिंग। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ग्रेट बच्चो, वॉट इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? Come on, what is work done by gravity? Anybody? MGH. Sir, MGH. 15 Newton. Force into displacement, है ना? Force into displacement. ठीक है? Force कितना है? Mg. अरे उसका जितना weight है उतना force लगेगा, और displacement हो गया H. ये तो basic है ना? हाँ, हमने सीखा नहीं है अभी. Potential energy में हम ये सीखेंगे. But force into displacement. Force is Mg और height है H. वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस तो हमको फाइंड करना है, यस, तो वर्क डन बाय एयर तो हमको फाइंड करना है। वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस 0। इनिशियल तो 0 है यार, कोई टेंशन नहीं है मुझे, राइट। सो विच इज हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ इंटू एम की वैल्यू 5 kg, फाइनल वेलोसिटी 10 square, माइनस mgh, m है 5, g की वैल्यू मैं 10 यूज कर रहा हूँ, और h की वैल्यू है बच्चों 20, है ना। तो यहां से मुझे मिलेगा 2 1 ये 50, 5 5 25, 250 माइनस ये 200 into 5, 200 into 5 कितना हो रहा है 1000, विच इज इक्वल टू माइनस 750 joule। तो कितना वर्क डन हो गया? 750 joules बाय एयर रेजिस्टेंस। ऑब्जेक्ट किधर गिर रहा है? ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट है नीचे, और एयर रेजिस्टेंस उसको ऊपर पुश करेगा, यस, मतलब वर्क डन बाय, और फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, फोर्स ऑफ एयर जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर है, तो डेफिनेटली नेगेटिव वर्क डन आना चाहिए, और नेगेटिव वर्क डन आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। क्या सब बच्चों को समझ में आया? एवरीबॉडी? यस सर। यस 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 सर। यस सर। और सिंपल कॉन्सेप्ट है, और क्वेश्चंस देखो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l।
and a variable force is applied on it which brings the string gradually at angle theta with the vertical. ठीक है, find the work done by force. अच्छा देखो तो जरा क्या है ना, initially कुछ ऐसा situation है कि ये object है, यहाँ पर बांध रखा है, ठीक है, इसका length है L. Okay. Yes, initially ये rest पर है, रेस्ट पर है तो बच्चा इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो. अब मैंने लगा दिया इसको एक फोर्स, यहां एक्सटर्नल फोर्स यहां से लगाया, तो ये ऐसे जाकर के डिस्प्लेस होगा और कुछ टाइम बाद एंगल थीटा पर आकर रुक जाएगा, यहां पर आकर भी ये रेस्ट पे आ जाएगा. अरे इसकी वेलोसिटी कम 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 होती जाएगी, रुकेगा और फिर वापस आएगा. तो जब वो रुकेगा तब एंगल थीटा हो चुका है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी मेरी जीरो. अरे वेलोसिटी जीरो हो गई ना बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो, है ना. अब बोल रहा है कि फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय दिस एक्सटर्नल फोर्स एफ, एफ ने कितना वर्क डन किया. अच्छा तो मैं यूज करूंगा वर्क एनर्जी थ्योरम. F net is equal to change in kinetic energy. बहुत काम का है ये theorem, बहुत ज्यादा, है ना. Very good. क्या मुझे कोई बताएगा कौन कौन से work done इस पे होने वाले हैं? एक तो work done by external force. Very good. Work done by tension होएगा. बहुत बढ़िया. और बताओ. Sir, field of the. Very good. Work done by gravity हो जाएगा. बहुत बढ़िया. और बताओ. और बताओ बच्चों. एयर रेजिस्टेंस. जब तक क्वेश्चन में एयर रेजिस्टेंस बोला नहीं है, इग्नोर करने का उसको. जब तक क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की बात नहीं की है, जब तक क्वेश्चन में फ्रिक्शन की बात नहीं की है, उसको इग्नोर मारने का. यस, तो हम यहाँ कोई एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन विक्शन नहीं लेने वाले. मेरे हिसाब से तो दैट्स इट. और कोई फोर्स एक्ट करता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, है ना. इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है. प्लस व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन, कम ऑन. यस, व्हाट इज द वर्क डन बाय टेंशन. अरे शेम ऑन यू, जीरो. शेम ऑन यू. अरे एंगल 90 डिग्री है ना यार, कल ही तो सीखा था थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो टेंशन का फोर्स कितना काम करेगा, जीरो. प्लस व्हाट इज द वर्क डन बाय एमजी, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, कितना वर्क डन करेगा. यस, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, जीरो. अगेन कुछ अरे यहां से वो ग्रेविटी यहां लेके गए, जीरो कैसे होएगा रे बाबा. चलो यहां निकाले, इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे प्लीज ध्यान देना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. ओ सर, ये यहाँ पेंडुलम लटक रहा था, मान लेते हैं इसको हाइट जीरो, ग्राउंड है, ऐसे मान लो ग्राउंड है. ये यहां से शुरुआत की ना, तो जहां से शुरुआत की जीरो, और वो पेंडुलम यहाँ पे आ गया, ऐसे यहाँ पे आ गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ग्राउंड से. बच्चों ग्राउंड से डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे, ग्रेविटी को पाथ से कोई मतलब नहीं है. ग्रेविटी बोलता है मेरे ग्राउंड से कितना ऊपर गया, तो मान लो कि एच हाइट ऊपर गया. यस, तो ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, एम जी एच इक्वल टू जीरो. सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम जी एच. वेरी गुड. एम की वैल्यू तो एम है, जी की वैल्यू जी ले लेते हैं हम, 10 नहीं यूज करेंगे. क्यों नहीं यूज करेंगे 10, क्योंकि सब कुछ वेरिएबल है ना, तो इसको भी वेरिएबल रखेंगे. ओके, क्या एच क्वेश्चन में कहीं गिवन है, एच नहीं गिवन है, तो एच यूज करके नहीं चलेगा. आंसर एच के फॉर्म में नहीं आना चाहिए. क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में एल गिवन, क्वेश्चन में एल गिवन है, एल है ना. क्वेश्चन में लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दिया हुआ है, वो है ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. यस, आ जाओ, हमको एच की वैल्यू चाहिए, हमको एच की वैल्यू चाहिए. बताओ एच की वैल्यू एल के टर्म्स में हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एच की वैल्यू एल के टर्म्स में कैसे कैलकुलेट करेंगे. अरे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा, ये है थीटा,
है ना. ओके, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ऐसे चलेगा. यहां से मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं. ओके बच्चों, ये लेंथ कितनी है? हाउ मच इज दिस लेंथ? एल. ये तो अभी भी एल है, है ना. ये एल है, हाइपोटेनस एल हो गया. ये कितना है? ये हो गया एल माइनस एच. एल माइनस एच, ये पूरी लेंथ एल है ना, तो ये हो गया एल माइनस एच, है ना. अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकाल लो. आप देखो तो जरा, साइन थीटा से कुछ मिलता है क्या? यस, साइन नहीं, सॉरी, कॉस थीटा लेना पड़ेगा बच्चों. यहां से देखो, अरे यार, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट एल माइनस एच अपॉन एल. यस, तो एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एल माइनस एच. यहां से मुझे मिलता है एच इज इक्वल टू एल माइनस एल कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा. और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर. एच के बदले में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा. सो द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज माइनस एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा. बोलो, सबको बात समझ में आई है ना? बहुत तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना. तो वर्क एनर्जी थ्योरम आप समझ रहे हो कहां कहां यूज कर सकते हैं? जब आपको फोर्स के बारे में कुछ नहीं पता, जब मल्टीपल फोर्सेस एक्ट हो रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट जब आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पता हो, तब यूज कर लेना. अब तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वर्क डन पे, क्या उसमें भी मैं ये थ्योरम लगा सकता हूं? हाँ, ऑब्वियसली, प्रोवाइडेड यू नो द वेलोसिटी. अब कल के जितने क्वेश्चन आप उठा लो, उसमें वेलोसिटी की तो कहीं बात नहीं की थी. यस, हर एक में हमको फोर्स गिवन था, डिस्प्लेसमेंट गिवन था, फोर्स गिवन था, डिस्प्लेसमेंट गिवन था. यहाँ पे ना फोर्स पता है ना डिस्प्लेसमेंट पता है, लेकिन यहाँ देखो वेलोसिटी पता है कि वेलोसिटी इनिशियल फाइनल पता थी, वेलोसिटी इनिशियल फाइनल. हाँ, यहाँ गिवन नहीं है, बट पता है ना. यस, इनिशियली रेस्ट पे फाइनल, ये लॉजिक आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा. ठीक है, चलो एक और सवाल बना दो, ध्यान देना तो जरा. अ बॉडी ऑफ मास m वाज स्लोली हॉल्ड अप अ हिल एज शोन इन फिगर, ठीक है, बाय अ फोर्स f विच एट द पॉइंट वाज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट टू द ट्रेजेक्ट्री. ये देखो, ये ऐसा कुछ पाथ दे रखा है, है ना. वो बोल रहा है कि ये जो फोर्स है ना, हमेशा यहाँ पर टेंजेंट फोर्स है, यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स है, यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स है. जो भी उसका ऐसा ट्रेजेक्ट्री है ना, द फोर्स इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू दिस ट्रेजेक्ट्री. इस पाथ को हमेशा टेंजेंशियल फोर्स, इस पाथ को हमेशा टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है. बोल रहा है फाइन द वर्क परफॉर्म बाई दिस फोर्स, ये जो फोर्स है इसका वर्क डन इफ द हाइट ऑफ द हिल इज एच, ठीक है, ये हाइट है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है. ओके, लेंथ ऑफ इट्स बेस इज एल, बच्चों ये लेंथ एल है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू. जैसे ही आपने पढ़ा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, समझ लेना कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी यूज करना है ना. जब जब गिवन है तभी यूज करना होगा. हे भगवान, कैसे करे अब सॉल्व? वर्क डन बाय फोर्स. आप बोलोगे सर सीधा सीधा है, यहां पर फोर्स यहां पर आ गया, ये लगाया हमने यहां से फोर्स, ठीक है, ये है h, ये है l, तो क्या मैं ये डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं बच्चों? कैन आई फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट? यस, आई कैन इजीली फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ l एंड h. ये हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है. तो आंसर हो जाएगा वर्क डन बाय द फोर्स is equal to force into the displacement which is F into under root h square plus L square. ऐसे बच्चे करके आते हैं, है ना. लेकिन वो लोग चाह रहे हैं, वो लोग चाह रहे हैं कि सारे forces देखे जाए. yes. क्योंकि उसकी जो kinetic energy है ना, देखो ना बच्चों, logically कब कौन सा use करना है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं. अब फ्रिक्शन दिया है ना उन्होंने,
ये फोर्स ने उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया, यस। तो जो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा वो थोड़ा काइनेटिक एनर्जी को घटाएगा, बिल्कुल। तो दूसरे फोर्सेस भी कंसिडर करना पड़ेगा हमको, सिर्फ एक का वर्क डन थोड़ी ना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यस। इसका भी वर्क डन, ये काइनेटिक एनर्जी को कम कर रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी को एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहा है ना। तो हमको मल्टीपल फोर्सेस कंसिडर करने पड़ेंगे, और इसीलिए बच्चों हमको और एक ग्रेविटी है, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही है, नीचे की तरफ मतलब उसका एक कॉम्पोनेंट इधर की तरफ खींच रहा होगा, राइट। तो ऐसे काफी सारी फोर्सेस मुझे यहाँ एक्ट करते हुए दिख रहे हैं, तो इसीलिए हमको यूज करना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छा, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे, है ना, सोचो और देखो। यहाँ देखो, अ बॉडी ऑफ मास m वाज स्लोली हॉल्ड अप एज शोन इन द फिगर। तो मैं इस फिगर को ना दोबारा जरा रीड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां पे फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, हाँ यहां पे फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, यहां पे फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, यहां पे फोर्स का डायरेक्शन ये होगा, हर जगह फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है। पहले तो W net is equal to change in kinetic energy, बढ़िया। मुझे बताओ यहां पर वेलोसिटी कितनी, जीरो। जब यहां पहुंच जाएगा फाइनल वेलोसिटी कितनी, जीरो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, बहुत बढ़िया। तो मैं यहां से बोल देता हूँ डब्ल्यू नेट इज जीरो, क्या इसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी बता दो भाई फटाफट, पक्का 100% एवरीबॉडी, यस 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 यस। अब देखो इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अभी के लिए मैं अज्यूम करता हूं कि ये सीधा जा रहा है, जा नहीं रहा है, लेकिन मैं बता दूंगा कि हम करने क्या वाले, ओके। तो फिलहाल के लिए ये एंगल थीटा, मैं इसको यहां रख दूं क्या, ओके चलो। इस पे एक्ट होने वाले सारे फोर्सेस मुझे बताएंगे आप लोग, जो उसको रोकने की कोशिश करेगा, ओके बच्चों। एक फोर्स इधर की तरफ फ्रिक्शन, वेरी गुड। एक फोर्स ऊपर की तरफ नॉर्मल, मैं फिलहाल तो सारे फोर्सेस बना रहा हूं, ठीक है ना। एक फोर्स इधर की तरफ, कौन सा आएगा इधर की तरफ, यस mg mg cos theta, mg cos theta and mg sin theta, और इधर की तरफ एक और मैं बना देता हूँ ऐसे mg sin theta, है ना। और बच्चों एक फोर्स इधर की तरफ, अभी के लिए मैंने उसको ऊपर दिखाया, क्या वो फोर्स का डायरेक्शन कांस्टेंट है, नहीं। क्या उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, हाँ उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं, ओके। तो मैंने बोल दिया एक फोर्स ऊपर की तरफ, तो मुझे कितने फोर्सेस यहाँ पे एक्ट होते हुए दिख रहे हैं। एक तो वेट mg, फोर्स ड्यू टू इट्स वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सेकेंड नंबर मुझे नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है ना बच्चों। थर्ड नंबर मुझे फ्रिक्शन दिख रहा है, और बच्चों फोर्थ नंबर मुझे एफ एक्सटर्नल दिख रहा है जो मैंने अप्लाई किया। तो चार फोर्सेस की वजह से मुझे वर्क डन को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं फिलहाल के लिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी, यस, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, प्लस वर्क डन बाय कौन है भैया, एफ एक्सटर्नल, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो। इसमें से कौन सा वर्क डन आप बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, कम ऑन। क्या मैं ये बड़े ही आसानी से बता सकता हूँ कि माइनस एमजी से, अरे देखो ना हाइट है ये एच, यस, और नीचे से ऊपर गया, पाथ से फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट एच है, तो माइनस एमजी प्लस। क्या मैं वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन बता सकते हो, यस सर, बोलो एमजी कॉस थीटा एच जीरो। अरे परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है ना फोर्स के, आप बोलोगे फोर्स, देखो ये ऐसा है ना, ऐसा ले लो, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो नॉर्मल रिएक्शन इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, ठीक है। ऑब्जेक्ट आप यहाँ रख दो तो नॉर्मल रिएक्शन इधर हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाएगा, हमेशा एंगल 90 डिग्री बन रहा है भैया,
यस, तो ये फोर्स तो जीरो, तो इसका वर्क डन भी जीरो। क्या सबको समझ में आया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल तो हमको फाइंड आउट करना है, बचता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, बचता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू जीरो। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्या मैं इसको लिख दूं? एमजीएच प्लस, सॉरी एमजीएच माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। एवरीबडी यहां तक क्लियर? देखो यार, अब मुझे सिर्फ वर्क डन बाय फ्रिक्शन को सॉर्ट करना है। लाइफ में एक ही प्रॉब्लम बचा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन को सॉर्ट करो। एवरीबडी क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट, कोई वरी, कोई दिक्कत? नो सर, एक डाउट है। नो सर। हाँ, पहले डाउट पूछ लो ताकि फिर आगे दिक्कत नहीं हो। हाँ बोलो। और एक डाउट था। यस बोलो उसमें। सर ये कर्व को हम स्लोप क्यों ले रहे हैं? मतलब वो मैं दो मिनट, वो तो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी तो समझाया ही नहीं मैंने, वो तो शुरुआत ही मैंने बोला अभी के लिए पकड़ो, है ना, क्योंकि ओके सर, हर जगह आप देखो, हर जगह है ना ये ऐसा है। फिलहाल मैं ये बता, फिलहाल अभी यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है तो नॉर्मल इधर की तरफ, ठीक है, फोर्स एक्सटर्नल इधर की तरफ, ठीक है, फ्रिक्शन इधर की तरफ, ठीक है, और एमजी कॉस थीटा इससे 90 डिग्री, है ना, ओके, यहां रख दो उसको, यहां रख दो, ये गड्ढे में रख दो यहां पे, ओके, ये नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नीचे की तरफ एमजी कॉस थीटा आ जाएगा, ओके, आप बोलोगे सर ये थीटा है ही नहीं पहली चीज, तो डोंट वरी वो भी बताता हूं, ठीक है, तो अभी के लिए कि ये चारों फोर्सेस हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं, उसका कोई टेंशन नहीं है, ऑल द फोर फोर्सेस विल बी लाइक दिस ओनली, ठीक है, तो चारों फोर्सेस का कोई लोड, कोई वरी, कोई टेंशन नहीं, ओके। अब सीन बचता है कि यार ये जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। यहाँ आ जाओ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, इनटू द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू द डिस्प्लेसमेंट। क्या फ्रिक्शन फोर्स हर जगह अलग है? हाँ। क्या एफ भी हर जगह अलग है? हाँ। यस, एमजीएच अलग है क्या कहीं पे? नहीं, एमजीएच पे एमजीएच है भैया, है ना, स्टार्टिंग से आखिरी तक एमजीएच अलग है, बाकी बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का, और नॉर्मल रिएक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने बताया हर जगह परपेंडिकुलर तो जीरो। प्रॉब्लम है दो लोगों का, एक तो एक्सटर्नल फोर्स का और दूसरा फ्रिक्शन का। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि डायरेक्शन दोनों का अलग है, डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, ओके, मतलब एफ फ्रिक्शन जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है वो चेंज हो रही है ना, अरे डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना हर बार, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फाइन, तो क्या मैं डायरेक्टली एफ एक्स लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। यस, मुझे कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, और वो जुगाड़ होगा बच्चों इंटीग्रेशन का। अब ध्यान देना अच्छे से जरा, ठीक है, मान लो ये ऐसा कर्व जो उन्होंने दिया है वो मैं लेता हूं, और बच्चों मैंने उस ब्लॉक को रख दिया यहां पर, जब वो इस पोजीशन पे है उस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा फ्रिक्शन का एफ, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, तो एफ का तो कोई टेंशन नहीं है, एफ कॉन्स्टेंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी के लिए इस डायरेक्शन में होगा, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेता हूं डीएस, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएस ले लेता हूं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएस ले लेता हूं, तो इस टाइम पे एक छोटा सा वर्क डन होगा, कितना? एफ डॉट डीएस, कॉस तो जीरो ही रहेगा, है ना, कॉस जीरो नेगेटिव है ना, वर्क डन नेगेटिव रहने वाला है इसका, नेगेटिव, तो यहीं पर एक ही बार माइनस साइन लगा देता हूं, वेरी गुड, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो dW कितना हो जाएगा? माइनस F की वैल्यू, व्हाट इज F की वैल्यू? व्हाट इज म्यू n वैल्यू? म्यू n, वेरी गुड, इनटू ds। क्या मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकता हूँ? हाँ, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा, ओके, क्या म्यू कॉन्स्टेंट है? हाँ, क्या n कांस्टेंट है? हाँ, और क्या ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा? हाँ, ds 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 करते करते पूरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ds 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 करते करते यस टोटल डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगा, तो मैं यहां लिख दूं क्या? म्यू n इंटू s, टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूं,
क्या सबको चलेगा? बिल्कुल पक्का 100% वेरी गुड। आ जाओ, अब मैंने क्या अज्यूम किया कि ये एंगल थीटा ले लो, यहाँ पर ऐसे स्लोप लिया और ये एंगल थीटा बनता है। और एक रीजन देता हूं मैं कि क्यों मैं ऐसे कर सकता हूँ, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए। चलो म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू पता नहीं, म्यू की वैल्यू तो म्यू है। अच्छा व्हाट इज एन इक्वल टू? एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। एम जी, अरे यहां बैलेंस करो ना, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, वेरी गुड। और नाउ व्हाट इज एस इक्वल टू? मैं इस डिस्प्लेसमेंट को एस मान रहा हूं, मैं इस डिस्प्लेसमेंट को बच्चों एस मान रहा हूं, राइट? तो इस ट्रायंगल में मैं लगा देता हूं कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये लेंथ एल दे रखी है, ये लेंथ एल दे रखी है, तो दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन एस। तो यहां से मुझे मिलेगा एस इज इक्वल टू एल अपॉन कॉस थीटा, तो मैं एस की वैल्यू डाल देता हूं एल अपॉन कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा कटा, थीटा गिवन नहीं है और ना ही मेरे आंसर में थीटा दिखने वाला है आपको, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी एल, वेरी गुड, एम जी एच माइनस म्यू एम जी एल, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। चाहो तो आप यहां से एम जी को कॉमन ले सकते हो, एच माइनस म्यू एल शुड बी योर फाइनल आंसर। आपको अगर कुछ वैल्यूज दे रखी है तो आप वो वैल्यूज यूज कर सकते हो, नहीं दे रखी है तो नहीं यूज कर सकते हो। अच्छा गड़बड़ हो गई ना मेरी, है ना बच्चों, ये माइनस है, माइनस है ना, माइनस तो माइनस डालना पड़ेगा ना, ऐसा कैसा, माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस म्यू एम जी एल, दिस गिव्स मी एम जी कॉमन एच प्लस म्यू एल, दैट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एफ, That is the work done by external force F, है ना? अब एक और चीज समझो, इंटीग्रेशन जब आप करते हो ना बच्चों, तो क्या आपको 200% करेक्ट आंसर मिल रहा है? नॉट रियली, है ना? देखो हमने क्या देखा इंटीग्रेशन करने का मेथड, कि मान लो ये कर्व है, ठीक है, तो मैंने यहां एक छोटा सा स्ट्रिप काटा, 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 ठीक है, और ऐसे ऐड करते 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 फाइनल आंसर, ठीक है। अब अगर आप सही तरीके से सोचो, मैं इसको बहुत जूम करूं, बहुत जूम करूं, तो जूम करने के बाद एक स्ट्रिप को मैं काटता हूं, ओके, तो हमने तो इसको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप अज्यूम किया, ये पहला रेक्टेंगल, ठीक है, ये इसके बाजू वाला एक रेक्टेंगल बच्चों, ये इसके बाजू वाला एक रेक्टेंगल, ठीक है, प्लीज ध्यान देते जाओ, ओके, अभी बता रहा हूं ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, यस, बाद में बस कर देंगे हम लोग, ओके, ये एक रेक्टेंगल काटा, ये रेक्टेंगल्स काटे हमने, लेकिन वो तो कर्व है ना, तो देखो यहाँ पे ये छोटी सी एरिया, ये छोटी सी एरिया, ऐसे छोटी छोटी एरिया बच गई है, तो एग्जैक्टली टोटल एरिया अंडर द कर्व नहीं मिला है हमको, बट बहुत छोटी छोटी एरिया बची है, इतनी छोटी छोटी कि हम उसको इग्नोर करते हैं ना। यहां पर देखो जरा कैसा कर्व दिया हुआ है, कुछ ऐसा कर्व है ना, कैसा कर्व है, यस ऐसा कर्व है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये है मेरा इनिशियल पोजिशन, इस कर्व पे जा रहा है ना वो, ऐसे इस कर्व पे ऐसे जा रहा है, करेक्ट, और ये है मेरा फाइनल पोजीशन। क्या मैं इसको ज्वाइन कर सकता हूं? यस, बिकॉज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बच्चों अगर बाई चांस ये एरिया कवर नहीं होता तो ये एरिया कवर हो जाएगा। देखो हमारे कर्व के अंदर का एरिया कौन सा है, यहां ध्यान देना, ओके, मैं यहां पहाड़ बना रहा हूं ब्लैक वाला, वेरी गुड, मुझे कौन सा एरिया चाहिए, मुझे कौन सा एरिया चाहिए, मुझे चाहिए ये एरिया, ये ग्रीन वाला, खचा 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 खचा, ये वाला, है ना, बहुत सही, पक्का, यस। लेकिन जब मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं बच्चों, तो क्या ये एरिया उसमें कवर हो जाएगा? नहीं होगा, ये एरिया कवर नहीं होगा।
बट ये तो मुझे चाहिए था. यस, लेकिन ये एरिया मुझे नहीं चाहिए था, बट ये कवर हो गया इस कर्व के नीचे, राइट? तो कोई टेंशन नहीं है. ऐसे अगर समझो आप कि हाँ हम उसको स्ट्रेट लाइन कवर कर दे, मुझे ये एरिया चाहिए था ये कवर नहीं हुआ, मुझे ये एरिया नहीं चाहिए था ये कवर हो गया. मोटा मोटी एरिया उसका सेम होता है, नॉट रियली, बट देन छोटी 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 हल्की फुल्की वेरिएशन होती है. फाइन, क्योंकि एक्चुअल में ये रेक्टेंगल बन ही नहीं रहा है, एक्चुअल में तो वो कर्व है, तो छोटा छोटा वहां पे एक एक डॉट छूटता जाएगा. यस, तो इसलिए हमने क्या किया कि चलो यार यहाँ एंगल थीटा बना दिया. नहीं चाहिए वैसे तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने पूरा मेथोडिकल मेथड के तरीके से भी सॉल्व करके दिया. छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, फाइनल डिस्प्लेसमेंट एस बोल दिया. एस हमको दिया नहीं है तो एस के बदले कुछ और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो हमने एस के बदले सब्स्टिट्यूट कर दिया एल बाय कॉस थीटा. यस एवरीबडी, शांति से गो थ्रू दिस क्वेश्चन वन पूरा सॉल्यूशन, और कोई डाउट होगा तो फिर पूछना. टू समराइज द क्वेश्चन, हमने बोला ऑब्जेक्ट यहां से इस पाथ को फॉलो कर रहा है, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर, यहां पर नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट. तो बच्चा वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन जीरो. ग्रेविटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेविटी को चाहिए इनिशियल पोजिशन, फाइनल पोजिशन एंड द डिस्प्लेसमेंट एच. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया एम जी एच के, खत्म. और नेगेटिव रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऊपर जा रहा है ग्रेविटी नीचे खींचेगा, इसका भी खेल खत्म. अब बचे दो फोर्सेस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये तो कैलकुलेट करना है, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन. क्या करें, वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता है फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, राइट? लेकिन ये तो वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल क्यों, डायरेक्शन वेरिएबल है फोर्स का. यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे, यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर, तो डायरेक्शन तो वेरिएबल हो गया. अच्छा, इसलिए मैंने बोला कि हम इसको लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स डॉट डीएस, और नेगेटिव होता है. अरे वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ कॉस 180, कॉस 180 बार बार कौन लिखे, तो मैं माइनस लिख दूंगा. अच्छा, आपको माइनस नहीं लिखना है तो आप ऐसे करो, इनटू कॉस ऑफ 180, क्योंकि फ्रिक्शन इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, कोई बात नहीं, वेरी गुड. हमने बोला ये तो छोटा सा वर्क डन रहेगा, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इस पॉइंट पे छोटा सा वर्क डन, ऐसे करते करते टॉप तक पहुंचना है. तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इधर से इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस, और इसका माइनस वन बाहर आ जाएगा. टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, क्या फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, हाँ, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस. इंटीग्रेशन ऑफ डी एस मतलब डीएस 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 करते करते डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज माई डिस्प्लेसमेंट, दिस लेंथ इज माई डिस्प्लेसमेंट एफ, और ये L है. तो यहां से हमने बोल दिया माइनस एफ इंटू एस, वेरी गुड. F की वैल्यू है न्यू n इंटू एस, n की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा, और यहां से अगर आप देखोगे तो बच्चों कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. यस, F इज इक्वल टू L बाय कॉस थीटा, ये मैंने डाल दिया L बाय कॉस थीटा, तो ये गया, ठीक है. एंड यहां से हमको मिल गई इसकी वैल्यू W की, माइनस म्यू एम जी एल, वो हमने डाल दी यहां पर, है ना. सो फाइनली यू गेट द आंसर, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, या सॉरी वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स. यस, दैट वाज द रीकैप ऑफ द एंटायर क्वेश्चन. आ जाओ एक और करें, एक और क्वेश्चन ऑन सिमिलर टॉपिक, सेम टॉपिक. यस, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे हैं हम लोग. द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ कॉन्स्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम. यहां पर टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशनशिप दे रखा है बच्चों. डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन अंडर एक्शन ऑफ अ कॉन्स्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कुछ रिलेशन दे रखा है. ओके, वेयर एक्स इज इन मीटर, सी इज इन सेकेंड.
फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज जीरो. डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो. जब वेलोसिटी जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. जब वेलोसिटी जीरो होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा. चल क्या करेंगे देखो. सबसे पहले वी हैव पी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस थ्री. क्या मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स इज इक्वल टू टी माइनस थ्री. वेरी गुड. क्या मैं दोनों साइड स्क्वायर कर सकता हूँ टी माइनस थ्री का स्क्वायर. क्या मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर सकता हूँ. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. बच्चों वेलोसिटी वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट dx by dt is equal to इसका डेरिवेटिव क्या होगा. इसका डेरिवेटिव होगा 2 into t minus 3 raised to 2 minus 1 into derivative of t that is 1 chain rule. Okay, which is nothing but 2 into t minus 3 velocity. Wow, 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 wow. Yes. अब क्या बोल रहा है कि जब वेलोसिटी जीरो होगा व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो तो बच्चों 2 इंटू टी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा है ना. तो यहां से मुझे मिलेगा टी माइनस थ्री इज जीरो टी इज इक्वल टू थ्री. वेलोसिटी कब जीरो होगा व्हेन व्हेन टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड वेलोसिटी इज जीरो है ना. उन्होंने बोला है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी इज जीरो. बच्चों जब वेलोसिटी जीरो है तो टाइम है 3 सेकेंड. हमको पता है x इज इक्वल टू t माइनस 3 का होल स्क्वायर है ना. तो यहां पर t की वैल्यू क्योंकि x का रिलेशन t के साथ पता है तो जब वेलोसिटी जीरो है तो t की वैल्यू निकालो 3 है. ओके डाल दो इसमें 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर जीरो है ना. मतलब जब वेलोसिटी जीरो है डिस्प्लेसमेंट जीरो. यस लेकिन 3 सेकेंड हो चुके थे. 3 सेकेंड यार क्या हुआ घड़ी चालू किया टाइमर चालू किया 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड गाड़ी वहीं पे खड़ी है. डिस्प्लेसमेंट भी जीरो वेलोसिटी भी जीरो है ना. और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं. ऐसा यही नहीं कि गाड़ी रेस्ट पे है. नॉट नेसेसरी. गाड़ी जाके वापिस भी आ सकती है और रेस्ट पे हो जाएगी. That is also possible. ये कार चालू हुई कहीं से तो है ना. x is equal to 0 से चालू हुई. Okay? x is equal to 0 से चालू हुई. ये आगे गई और 3 सेकंड में यहाँ पे आके बैठ गई वापस. डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया वेलोसिटी भी जीरो हो गया. 3 सेकंड लग गए. अगर डिस्टेंस ट्रेवल बोला तो क्या डिस्टेंस जीरो है. नहीं. तो ऐसे बहुत केसेस हो सकते हैं वेयर ये सिचुएशन एप्लीकेबल है. क्या सबको समझ में आया. एवरीबडी बच्चों एवरीबडी फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 6 सेकेंड. पहले 6 सेकेंड का वर्क डन बताओ बाय द फोर्स. फोर्स किधर है. मुझे तो कोई फोर्स नहीं दिख रहा ना. फोर्स के बारे में कुछ पता है. हाँ डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता है. तो भैया एफ एक्स कॉस थीटा तो मैं यूज नहीं कर सकता. इंटीग्रेशन एफडीएस भी नहीं यूज कर सकता. तो मैं यूज क्या करूंगा. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना. तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. यस एवरीबॉडी क्लियर. एवरीबॉडी क्लियर पक्का. ओके अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब हाफ एम वी स्क्वायर. क्या मुझे अच्छा हाफ एम वी स्क्वायर. वी कितना है 0 सेकेंड से 6 सेकेंड तक. वी निकाल ले क्या हम यहाँ पर. बच्चों वी निकाल दो. व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3. कितना है ये 2 3 जा माइनस 6 मीटर पर सेकेंड. देखो टाइम इज इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी माइनस 6 है. ऐसा हो सकता है क्या. हाँ क्यों नहीं हो सकता भाई. यस जब मैंने टाइमर चालू किया कार इधर की तरफ जा रही थी एट 6 मीटर पर सेकेंड है ना. व्हेन टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड वेलोसिटी इज इक्वल टू यहां डाल रहा हूं है ना. वेलोसिटी कितना हो जाएगा या 2 इंटू 6 माइनस 3 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड. क्या बात है. हो गया खत्म. वर्क इज इक्वल टू हाफ एम इंटू फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम इंटू इनिशियल का स्क्वायर.
हाफ एम को कॉमन निकाल ले क्या? ओके ये हो जाएगा 6 6 36 माइनस माइनस प्लस, ओ सॉरी माइनस माइनस प्लस कैसे हो जाएगा भैया? अरे माइनस माइनस प्लस कैसे हो जाएगा, ये तो माइनस सिक्स का स्क्वायर पॉजिटिव होगा ना, तो माइनस 36 विच इज जीरो, सो वर्क डन इज जीरो, वर्क डन इज जीरो, है ना। इस तरह से आपको वर्क डन निकालना पड़ता है अगर आपको फोर्स वगैरह वगैरह ये सारी चीजें नहीं पता हो तो। ये अगला क्वेश्चन, क्या यहाँ तक सब कुछ समझ में आया आपको? Absolutely everything. यहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए कुछ होमवर्क, 1 2 3 4 5 6 बस 5 क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक होमवर्क। डोंट वरी, आज हम मटेरियल से कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ आपको कल जो नहीं आया था वो सॉल्व करेंगे, नया कुछ नहीं करेंगे। ओके सो होमवर्क थोड़ा कम रहेगा शायद। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर होता है काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से खत्म, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क एनर्जी थ्योरम, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज डिस्कस कर लो बिफोर वी मूव अहेड। वी विल बी स्टार्टिंग विद पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बचपन से हमने सीखा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, ठीक है? नहीं, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच नहीं होने वाला है। पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में हम पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नॉट जस्ट दैट, दिस इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलो ठीक शुरू करते हैं, है ना। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? अब तक जो डेफिनेशन बचपन से पढ़ा है, द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स पोजिशन और स्टेट। हमने क्या पढ़ा, एक ऑब्जेक्ट अगर बैठा हुआ है रेस्ट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो। यस, जमीन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट एच पे रखा हुआ है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, ठीक है? ये तो हो गया सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? पहली चीज तो एक चीज समझ लो, पोटेंशियल एनर्जी इन फिजिक्स इज नॉट डिफाइंड, है ना। देन व्हाट इज डिफाइंड? यस, व्हाट इज डिफाइंड इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है? धीरे धीरे समझाऊंगा। सबसे पहले आप पोटेंशियल एनर्जी का भैया फॉर्मूला समझ, एनर्जी है वर्क, वर्क है एक्सेप्टेंस, बेसिक से समझाता हूं, यहां जाओ बेसिक से समझाता हूं। जैसे हम बचपन में बोलते थे, एक ऑब्जेक्ट है यहां रखा हुआ, सॉरी एक ऑब्जेक्ट है इसका मास है एम, यहां पे रखा हुआ है ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो आप क्या बोलते थे, इसका पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच एंड दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? क्यों? क्योंकि हाइट जीरो है, वाह 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 वाह, हाइट जीरो है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अब आपको किसी ने बोला इसको हम एच हाइट पे लेके गए, कौन लेके गया? मैं लेके गया, मैंने इसको उठाया, शक्तिमान इसको उठाया और एच हाइट पे लेकर के गया, तो मुझे लगा कुछ फोर्स, तो मुझे बताओ इसका पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना था? जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अच्छा मुझे बताओ इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, वेरी गुड। और ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, ऐसे कैसे? इसने इस पे वर्क किया तो इसका एनर्जी इसके अंदर ट्रांसफर हो गया और उसके अंदर एनर्जी बन के स्टोर हो गया, यहां पर वो रेस्ट पे है ना, वेरी गुड। तो क्या मैं बोल सकता हूं, द वर्क डन बाय मी इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन दैट ऑब्जेक्ट, है ना।
पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल विच इज एम जी एच माइनस जीरो, इसलिए आंसर एम जी एच आता है। अगर ग्राउंड से उसको लिफ्ट किया गया हो तभी एम जी एच आता है, अगर ग्राउंड से उसको लिफ्ट किया गया हो तभी एम जी एच आता है। और बच्चों व्हाट इज दिस, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होगा आज से यू, काइनेटिक एनर्जी का ई और पोटेंशियल एनर्जी का यू। यस, तो क्या मैं बोल सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या मैं बोल सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या सबको बात क्लियर हुई? अरे देखो ना यार, यही चीज अगर मैं करता कुछ ऐसे, ये ग्राउंड है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ऑलरेडी एट एन हाइट ऑफ एच वन, और यहां से मैं इसको ऊपर लेके जाता बच्चों एट एन हाइट ऑफ एच टू, ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा यहां से यहां लेके जाने में, और वर्क डन भी होगा यहां से यहां लेके जाने, ठीक है। तो बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा एम जी एच टू माइनस एच वन, या फिर वर्क डन हो जाएगा एम जी एच टू माइनस एच वन। यस, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं बोलता हूं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। देखो जब हम एम जी एच बोलते थे तो हम क्या बोलते थे, ये एच हाइट पे है इसलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, नहीं उसको ग्राउंड से वहां लेके गए हैं इसलिए एम जी एच, उसको ग्राउंड से वहां लेके गए हैं इसीलिए एम जी एच। ओके ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको हमेशा ऑलवेज ऑलवेज यू हैव टू अज्यूम दैट पोटेंशियल एनर्जी एट सम प्लेस इज जीरो। जो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ऐसे हम अज्यूम कर लेते हैं। एक छोटी सी ऐसे ही मजेदार बात, ऐसे ही टाइम पास, ये ग्राउंड है हमारा, वेरी गुड, यहां पर ये, अच्छा उससे पहले ये बच्चा है हमारा, वेरी गुड, ये ग्राउंड पे खड़ा है, यहां से इसके सर पे एक ऑब्जेक्ट गिर गया तो सर फटेगा, अच्छा हेवी ऑब्जेक्ट कड़ा, ये क्यों, क्योंकि उसमें मास है, जब वो यहां पर है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है एमजीएच, जब वो गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में और इसके सर पे फटेगा, वेरी गुड, है ना। तो एनर्जी कन्वर्ट हुआ इसीलिए तो लगी। अब ना ये ऑब्जेक्ट को मैं रख देता हूं ग्राउंड पे, आप बोलोगे इसका पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, मतलब इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है। ओके, मैं यहाँ पे एक गड्ढा खोद देता हूँ छोटा सा, अरे जमीन पे गड्ढा तो खोद सकते हैं ना, बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा, ये दो चार पांच छह फीट का, सिक्स फीट का गड्ढा, और अब ये बच्चे को मैंने यहाँ खड़ा कर दिया, अब इसके अंदर तो जीरो एनर्जी है। यस, मान लो ये यहां से अपने आप गिर जाता है, किसी ने फोर्स नहीं लगाया, कुछ नहीं कुछ, ठीक है, हवा में पकड़ रखा था, मान लो छोड़ दिया, गिर गया, ठीक है, तो क्या इसका सर नहीं फटेगा? अरे बिल्कुल फटेगा, क्यों? क्योंकि उसमें कोई तो एनर्जी थी ना, वो एनर्जी कन्वर्ट हो गई ना, वगैरह वगैरह, करेक्ट। तो मतलब हमने अज्यूम करके रखा है कि यार अर्थ के सरफेस के ऊपर, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि हाइट जीरो है ग्राउंड के सरफेस से, इसलिए एनर्जी जीरो है। वैसे तो सेंटर ऑफ द अर्थ से होना चाहिए, राइट, हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो हम अर्थ के रेफरेंस से सब कुछ देखते हैं, ठीक है, बकवास बातें बंद करते हैं यहाँ ध्यान। ओके, तो अब मैं बोलूंगा नाउ माई डेफिनेशन ऑफ, देखो हर चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन आएगा, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन में तो बहुत डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए जनरल डेफिनेशन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डी यू मतलब स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, हमने बोला वर्क डन, ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल वर्क डन लिख दो, स्मॉल वर्क डन, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू स्मॉल वर्क डन, व्हाट इज स्मॉल वर्क डन इक्वल टू, माइनस एफ डॉट डीएक्स या डीआर या डीएस कुछ भी लिख सकते हो आप, यस स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू दिस, क्या मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकता हूं,
du is equal to minus f dot dx का इंटीग्रेशन. वेरी गुड. ये क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी से लेकर के फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये कहां से कहां तक उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा बच्चों, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट फाइनल डिस्प्लेसमेंट x1 x इनिशियल से लेकर के x फाइनल तक. वेरी गुड. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ du u, है ना, कहां से कहां तक, इनिशियल से लेकर के u फाइनल तक. समझ में आया, बहुत बढ़िया, नहीं तो फॉर्मूला याद रख लेना. यहां से f बाहर आ गया, dx 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 करते करते आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, है ना. लेकिन हम इसको ऐसे ही रखना पसंद करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f dx इनिशियल से लेकर के फाइनल तक. What is this initial से लेकर के final तक, u final minus u initial is minus f dot dx. ठीक है, यहां से मैं बस एक ही फॉर्मूला आपको बना के दे देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. अगर u भी लिखा हुआ आपको दिखे तो आप बोलोगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो इसलिए आप एक फॉर्मूला याद रखो, du is equal to minus f dot dx, और इसी से आपको पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 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 कैलकुलेट करनी है. ठीक है, इस फॉर्मूला को मैं लिख सकता हूं du is equal to minus f dot dx, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. अब चाहे ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाए ग्रेविटेशन से, या दो चार्जेस रखे हैं उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी, Yes, दो मैग्नेट्स रखे हैं उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी, दो आदमी लोग खड़े हैं उनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी. जब ग्रेविटेशन चैप्टर सीखेंगे तब इसके बारे में मैं और डिटेल में बताने के पोजीशन में रहूंगा, फिलहाल इससे ज्यादा बताना और आपको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना. तो क्या करें, डोंट वरी, हम टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेते हैं एकदम सिंपल, और आपको और थोड़ा यहां से मैं समझाने की कोशिश भी करूंगा. ओके, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत सिंपल है यार, आपने बचपन में पढ़ रखा है ना, कि देखो दो तीन चीजें पढ़ रखी है, क्या बो एंड एरो होता है. मैं यहां एक मिनट रुको, ये है आपका बो और यहां पे आप रखते हो एरो. यस, जब आप इस स्ट्रिंग को पीछे की तरफ पुल करते हो बच्चो, यस, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है. ये जो स्ट्रिंग है, यस, इसमें पोटेंशियल आपने खींचा ना, तो आपने वर्क डन किया, तो वो इस स्ट्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी बन के चला गया. आपने छोड़ा तो इस स्ट्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी इसमें काइनेटिक एनर्जी बन के जाएगा और ये एरो सीधा जाकर के करेक्ट. तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपने सीखा है ना कि ये स्प्रिंग है, मान लो ये स्प्रिंग है, सीखा है मतलब कमान बचपन से सीख रहा है. ठीक है, ये मास एम है, इसको आप कंप्रेस करो, ऐसे दबा दो. ठीक है, दबा देंगे तो कुछ ऐसा डायग्राम दिखने लगेगा आपको. यस, ये ऐसे कंप्रेस हो जाएगी और यहाँ पे मास एम. ठीक है, अब इसको छोड़ दो, छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये मास एम खटाक से आगे भाग जाएगा. ऐसा कैसा जादू, अरे इस स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होके बैठी है. किसने की, मैंने की, अरे मैंने वर्क डन किया ना, कंप्रेस किया तो मैंने उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डाल दी और वो पोटेंशियल एनर्जी अब इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. राइट, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे काफी सारी पोटेंशियल एनर्जीज आप सीखोगे. अभी के लिए मैं दो का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे करके छोड़ूंगा, उससे ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी, जब जो चैप्टर आएगा हम उसमें पढ़ेंगे उसके लिए करके. आपके माइंड में आप, अच्छा ये गलत लिख दिया ना मैंने, नेगेटिव वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव वर्क डन. यस, 10,000 बार हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे अलग अलग चैप्टर में. Negative work done, change in potential energy is negative work done. ये क्यों? Negative क्यों? Negative क्यों? ये मैं आपको समय समय पर हर potential energy type जब explain करूंगा तब बताऊंगा कि हमने negative work done किया. अभी के लिए इसको छोड़ो,
जगह जगह पर हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। फिलहाल एक टाइप, वन बाय वन टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसमें भी समझाने की कोशिश करूंगा कि भैया हमने नेगेटिव के ले लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक और फॉर्मूला दे दूं क्या फटाफट? ओके, तो यहां से देखो, यहां से एफ क्या हो जाएगा, एफ विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यस यस, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। F is equal to minus du by dx. Okay? ये याद रखने की जरूरत है। चलो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या हमने स्प्रिंग फोर्सेस पढ़ा है? यस, नहीं तो बोलना ही नहीं कोई। ठीक है, स्प्रिंग फोर्सेस। अच्छा मुझे बताओ बच्चों, स्प्रिंग फोर्स कितना होता है? हाउ मच इज स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू, कम ऑन, माइनस के एक्स माइनस के इक्वल टू माइनस। स्प्रिंग फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब स्प्रिंग की वजह से जनरेट होने वाली पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करके फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, समझ गया ना, स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव होता है, वेरी गुड, ये तो पता ही है हमको क्यों नेगेटिव। ठीक है, चलो अब ध्यान देना। इट इज अज्यूम्ड दैट जब स्प्रिंग अपने नॉर्मल पोजिशन पे है, नॉर्मल पोजिशन पे, यस, दैट टाइम पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। हमने बोला हमेशा आपको अज्यूम करना पड़ेगा एक चीज, वो क्या है कि कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, जैसे हमने ग्राउंड पे अज्यूम किया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, स्प्रिंग के केस में आपको अज्यूम करना है कि नॉर्मल पोजिशन में जीरो है। अब बच्चों, या तो आप इसको कंप्रेस करो या खींच लो, व्हाटएवर, या तो आप इसको कंप्रेस करो या खींचो, क्या करें, कंप्रेस करते, चलो दोनों भी एक ही बात रहेगी। इसको हमने कंप्रेस किया x से, इसको मैं कंप्रेस करता हूं, यस, x डिस्टेंस से, यस, देखो यहां पे हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इज x डिस्टेंस से मैंने उसको कंप्रेस किया, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। ठीक है, अब देखो जब वो ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा होगा बच्चों, तो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, मान लो ये डिस्टेंस है 1, है ना, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1, इतना फोर्स लग रहा होगा। वेरी गुड, जब वो ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 फॉर एग्जाम्पल, तो उस पर फोर्स लग रहा होगा माइनस के इंटू 2, है ना, मतलब फोर्स चेंज हो रहा है, मतलब फोर्स चेंज हो रहा है। क्या सब लोग अग्री करते हैं फोर्स चेंज हो रहा है? एवरीबॉडी, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है फोर्स मेरा वेरिएबल है, तो क्योंकि मेरा फोर्स वेरिएबल है, अगर मुझे पता करना है कि मैंने इस पे कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन बाय मी ऑन दैट इज इक्वल टू फोर्स डॉट डी एक्स। छोटा सा वर्क डन ले ले, चलो इस पोजिशन पे Yes, उसके ऊपर फोर्स F एक्ट कर रहा है और मान लो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है dx, मतलब मैंने एक छोटा सा वर्क डन किया उसके ऊपर, पूरा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन। वेरी गुड बच्चों, dw करते करते हो जाएगा w, फोर्स कितना एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, माइनस के एक्स, अरे स्प्रिंग फोर्स, तो स्प्रिंग ने भी वर्क डन किया, है ना, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, ये इनटू डीएक्स इज इक्वल टू, क्या के कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, हाँ के कांस्टेंट है, बाहर आ गया, क्या एक्स भी कांस्टेंट है, हाँ एक्स तो ये डिस्टेंस है बच्चों जितना मैंने उसको डिस्प्लेस किया, इज एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स, ds करते करते इतना डिस्टेंस पूरा कवर किया, तो क्या मैं बोल सकता हूं माइनस के एक्स इंटू एक्स, माइनस ऑफ के एक्स इंटू एक्स। एवरीबडी, ओ सो सॉरी, गड़बड़ कर दी, अरे एक्स कहां कॉन्स्टेंट है, एक्स तो वेरिएबल है ना, ऐसे कैसे, अरे बाबा आई एम सो सॉरी बच्चों, माइनस के कॉन्स्टेंट है, सिर्फ माइनस के कॉन्स्टेंट है, यहाँ क्या बचा, एक्स डॉट डी एक्स लिखता हूं बच्चों, है ना, डीएस के बदले डीएक्स लिखता है, डीएक्स, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ डीएक्स यहां पे, ओके परफेक्ट, है ना, कहां से कहां तक,
x जीरो इनिशियल पोजीशन से x डिस्टेंस तक, है ना, इनिशियल x इज इक्वल टू जीरो से लेकर के x तक। एवरीबडी सबको समझ में आ रहा है क्या करें? एवरीबडी किसी को कोई डाउट है अभी? है ना, जीरो से लेकर के मुझे थोड़ा छोटा जीरो से लेकर के x तक छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट किया। अरे ठीक है, देखो यहाँ पे ये बॉक्स, ये है इसकी इनिशियल पोजीशन पे चुपचाप बैठा। मैंने इसको थोड़ा सा धक्का मारा, है ना, तो इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो स्प्रिंग उस पर फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इधर, स्प्रिंग का फोर्स इधर की तरफ, करेक्ट, कितना फोर्स लगाया स्प्रिंग में, माइनस के, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट वन हुआ है तो फोर्स लगेगा माइनस के, और यहां तक लेकर आ उसको तो स्प्रिंग और फोर्स लगाएगा उस पर, माइनस के इंटू टू, तो माइनस टू के, तो फोर्स चेंज होते जा रहे हैं, तो फोर्स तो वेरिएबल है। मैं कैलकुलेट कर रहा हूं हाउ मच वर्क इज डन ऑन दिस मास एम, कितना वर्क डन उस पर किया है मास एम के ऊपर, कितना वर्क डन किया है, वेरी गुड, है ना। तो वर्क डन, छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, मान लो वो ब्लॉक यहां पर है ना, और उसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, छोटा सा dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो छोटा फोर्स इंटू dx, इतना वर्क डन उस पर होगा, इतना वर्क डन उस पर होगा। चलो माइनस हटा, माइनस हटा दो, वेरी गुड। क्या मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकता हूं? हाँ, तो w इज इक्वल टू फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, माइनस के एक्स, मैंने जो फोर्स लगाया दैट विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स ना, देखो मैंने इसको पुश किया और यहां पर पकड़ के रखा, तो बैलेंस है इक्विलिब्रियम में, तो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो क्या मैं यहाँ पे माइनस के एक्स लिख सकता हूं? हाँ ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस के, तो बाहर आ जाएगा क्योंकि के तो फोर्स कॉन्स्टेंट है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, एक्स डॉट डी एक्स, वेरी गुड। सो माइनस के इंटू व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाय टू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज द वर्क डन ऑन दिस मास एम बाय द स्प्रिंग या बाय मी, एक ही बात होगी भाई, और ये वर्क डन उसमें स्टोर हो गया एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हो गया माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। मतलब अगर कोई आपको बोले, अगर कोई आपको बोले कि भैया ये स्प्रिंग है नॉर्मली नॉर्मल पोजीशन में, इसको कॉम्प्रेस कर दिया ऐसे, यहां पर से यहां पर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज एक्स इज इक्वल टू 2 meter, है ना, अब अगर मैं इसको यहां छोड़ दू तो ये मास एम खटाक से आगे चला जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। मैंने पूछा कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो भैया उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है 2, तो माइनस हाफ इंटू के इंटू 2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ये गया माइनस 2 के की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है ना, कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर्ड है, तो आप माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसमें है ये कैलकुलेट करोगे। और बच्चों दिस इज नथिंग बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमने अज्यूम किया कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो है। क्या सब बच्चों को समझ में आ रहा है सब कुछ? एवरीबडी? यस सर। हमने वही किया, हमने क्या बोला, चलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी राइट, ये वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है जो हमने निकाली थी, हमने अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली, दिस इज वेरी डिफरेंट बच्चों। इसका हम पूरा 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 पोस्टमार्टम करेंगे अगले चैप्टर में ग्रेविटेशन में। Yes? देखो यार ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है,
ये पहला और ये दूसरा, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ आर, इनके बीच में देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यस। अगर नहीं है तो भैया इसमें कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट, आपने पढ़ा है नाइन्थ क्लास में, यस। द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज गिवन बाय जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वेयर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। एवरी बॉडी अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स जी एम एम बाय आर स्क्वेयर, वेरी गुड, है ना। तो यहां पर तो ऊपर लेके जाओ नीचे लेके आओ ऐसा कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इनके बीच में देर इज अ पोटेंशियल एनर्जी। आप बोलोगे इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी मतलब, अरे कॉन्फिगरेशन पोटेंशियल एनर्जी होता है, डोंट वरी, अभी के लिए सिर्फ फॉर्मूला, 3 घंटे इस पे चर्चा करेंगे फिर कभी। यू इज इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू, यू इज इक्वल टू माइनस, अरे माइनस जी एम वन एम टू बाय आर, U is equal to minus of G M1 M2 by R। बस अभी के लिए ये याद रखो, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है बाई चांस इस चैप्टर में कहीं, सार स्क्वायर होना चाहिए, तो आप ये यूज कर लेना। नहीं, मैं पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ, मैं फोर्स कहाँ बोल रहा हूँ मैडम। ओके सर, है ना। फोर्स का फॉर्मूला है G M1 M2 by R square। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस G M1 M2 by R। ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फिगरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज दिस, ठीक है, ये याद रखो अभी के लिए, फाइन, वेरी गुड। कैसे डिराइव हुआ, ये कैसे डिराइव हुआ, इसका पूरा डेरिवेशन दूंगा। बच्चों आपने पूछा था माइनस कैसे आ रहा है, ये लो यार डेरिवेशन में माइनस आ रहा है ना। क्या मैंने माइनस से शुरुआत की थी, नहीं, फोर्स नेगेटिव आता है, फोर्स नेगेटिव आ रहा था, ओके, तो फॉर्मूला में भी नेगेटिव आ गया, है ना। दिस इज इक्वल टू वर्क डन, तो मैंने बोल दिया यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, यस, तो नेगेटिव आ गई। अब आप बोलोगे इसमें नेगेटिव कैसे आया, ये भी हम डिराइव करेंगे तो हम बताएंगे कि कैसे आया, फिलहाल के लिए याद कर लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है भगवान, कैसे बताए बच्चों को, कोई टेंशन नहीं, इसका चैप्टर आएगा अगले साल और उसमें हम डिटेल में फिर से 3 घंटे सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे 3-3 घंटे स्पेंड करेंगे, ओके। अभी के लिए मैं बोल रहा हूं इसलिए याद रखना, ये क्या है, ये है ऐसा कुछ, देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2, है ना, पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव है रिपेल करेगा, नेगेटिव है रिपेल करेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है अट्रैक्ट करेगा, चार्जेस है Q1 Q2, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे हम, इनके बीच में There is some potential energy। आप बोलोगे इनके बीच में potential energy का क्या मतलब, बच्चों मतलब ऐसा है, शॉर्ट में बताता हूं, ये है infinity, infinity मतलब बहुत दूर कहीं, ये potential energy zero होती, मैं assume कर रहा हूं, मैं assume कर रहा हूं कि potential energy कहीं बहुत दूर zero है, very good। इस बच्चे को मैं यहां से उठा के यहां लेके आता हूं, तो मैंने कुछ वर्क डन किया कि नहीं किया, बिल्कुल किया, वर्क डन किया तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन, वेरी गुड। तो क्या इसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी बनके, हाँ हो जाएगी, वेरी गुड। फिर ये बोली मैं भी जाऊंगी, अकेली क्या करूं, इसको उठा करके यहां पे ला करके रख दिया हमने, यस, अभी टेंशन नहीं लेना और डिटेल में सीखेंगे, यस, इसको उठा करके यहां ला करके रख दिया, तो क्या इसके अंदर भी कुछ एनर्जी स्टोर हो गई, हाँ एनर्जी स्टोर हो गई। इसकी पोटेंशियल एनर्जी में और इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या कोई डिफरेंस होगा, जी हाँ, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है आर। क्या मैं बहुत ज्यादा सीख रहा हूं, आंसर ठीक रहोगे, ज्यादा आवाज होगी, यस, ओके। इन दोनों में आप तो बच्चों यहां से लाके यहां दूर है ना, वो तो अलग अलग वर्क डन करना पड़ेगा, वेरी गुड, यस। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस इसकी पोटेंशियल एनर्जी विल गिव मी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों ये यू क्या है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस,
पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। हमने स्टार्टिंग में बोला पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होता, सब कुछ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो इसको उठा करके यहाँ लाओ वर्क डन कितना, इसको उठा करके पास लाओ वर्क डन कितना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा ना। जी हाँ बिल्कुल, ये वही मैंने स्टार्टिंग में बताया ग्राउंड, इसको उठा करके यहाँ रखो MgH1, इसको उठा करके यहाँ रखो MgH2, बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना, राइट। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है ना। वैसे ही हम कुछ इस तरह से इसको अगले साल सीखेंगे, बहुत दूर कहीं चले जाओ इन्फिनिटी पे, ये है एक चार्ज, इसको उठा करके यहाँ लाएंगे कितना वर्क डन किया, ये है दूसरा चार्ज, इसको उठा करके इसके पास लाएंगे कितना वर्क डन हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे ऐसे। तो वही मैं बोल रहा हूँ बार 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 पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन आता रहेगा, इसीलिए अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो अभी बोलना चाहिए अच्छे से, ओके। यू इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 r, ये क्या है मुझे भी नहीं पता, सीखेंगे फिर कभी, यस। क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट मुझे हल्का फुल्का इंट्रोड्यूस करवाना था, हल्का फुल्का ऐसे ही है ना, एक 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 टीजर देके छोड़ देना था आपको ये बताने के लिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ जाए। हाँ, इस टॉपिक से आपके कल के डाउट्स जो थे उसके 2-3 क्वेश्चन तो पक्का सॉल्व हो जाएंगे, ओके। हमने क्या ये अभी एक डाउट सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है इस टाइम, ओके, वेरी गुड। Fs इज इक्वल टू, अभी अभी तो पढ़ा भाई, du इज इक्वल टू -f.ds, fds, वेरी गुड। यहाँ से f इज इक्वल टू माइनस ऑफ यस du/ds, वेरी गुड, अभी अभी पढ़ा है ना। तो ये है एक क्वेश्चन, ये है एक अभी अभी फॉर्मूला लिख के दिया वही है। अच्छा, अब अगर यही फोर्स बच्चों 3 डायमेंशन में लग रहा है, न्यूमेरिकल करेंगे सब क्लियर हो जाएगा, अगर यही फोर्स बच्चों 3 डायमेंशन में लग रहा है तो आपको तीनों का पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ता है। सर ये क्या है, टेंशन नहीं लेना, मैं एग्जाम्पल से दिखा दूंगा, इसको 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं और पहले पहले अरे अरे ऐसा कैसा क्वेश्चन नहीं लिए गया इस पे, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, यहाँ आ जाओ, क्या बोल रहा है देखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कॉन्जर्वेटिव, पोटेंशियल एनर्जी जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस पे एप्लीकेबल है। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से मैंने कल भी बोल दी, शायद आज बोलना मैं भूल गया, ओनली फॉर कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस, ओके। क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कॉन्जर्वेटिव फोर्स इज दिस, पोटेंशियल एनर्जी दे दी किसी फोर्स की, एनर्जी दे दी, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, ठीक है, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड डिस्कस वेदर द, ये तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, अच्छा डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है ना, कर देंगे सब सॉल्व करते हैं, इसको अभी के लिए नोट करके रखो, नोट करके रखना, फिर उसके बाद आएंगे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं मैंने इसके आगे, तो ये भी सिखा दूंगा, फाइन आ जाओ। क्वेश्चन कह रहे कुछ तो, वैसे तो ये क्वेश्चन मैंने अभी लेना नहीं चाहिए बट ले लेता हूं, क्योंकि इस पे हम बहुत सारे वेरिएशन करेंगे आफ्टर वी स्टडी सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट, अब इसमें भी सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट तो लगने वाला है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, बॉडी का सेंटर, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता फिलहाल, सेंटर ऑफ मास होता है बॉडी का सेंटर फिलहाल, जहां होल मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। जिन बच्चों ने आईसीएसई से 10th क्लास किया है उनको सेंटर ऑफ मास के बारे में और थोड़ी ज्यादा जानकारी होगी, बट फिलहाल के लिए टेंशन नहीं लेना। अ चेन ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज केप्ट इन 3 पोजीशंस एज शोन बिलो, ओके। Assuming H is equal to 0 on the ground, find the potential energy of the chain in 3 cases. बच्चों, ये chain का center ये रहेगा? Very good.
तो इसके सेंटर को देखने का सिर्फ और इसका पोटेंशियल एनर्जी मुझे बताएंगे mgh। खत्म बच्चों, इसके सेंटर को देखने का सिर्फ यस और इसका पोटेंशियल एनर्जी मुझे बताएंगे, ये जीरो हो जाएगा ना, हाइट इज जीरो, तो mgh हाइट h है बच्चों, इसका सेंटर ये हो जाएगा यहाँ पे और इसका हाइट हो जाएगा h बाई टू। अरे अगर उसकी हाइट पूरी h है यस, तो ये लेंथ, लेंथ l है ना, ये देखो ये क्या है, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ है l, तो इसका सेंटर हो जाएगा एट अ हाइट ऑफ l बाय टू, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh विच इज mg l बाय टू। क्या सब बच्चों को समझ में आया, क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया यार, कुछ भी नहीं किया है ना, सेंटर ऑफ मास कंसीडर किया हमने, सेंटर ऑफ मास कंसीडर किया और उसका हाइट ग्राउंड से निकाल लिया। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इट इज द पॉइंट वेयर, इट इज द पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी is assumed to be concentrated। ठीक है, अब ये चेन है, इस चेन का पूरा मास यहां पे है ऐसा हम अज्यूम करेंगे, सो mgh, इस चेन को हटा दो और यहां पर बस एक मास m का डॉट लगा दो, पोटेंशियल एनर्जी mgh, वेरी गुड। इस चेन को हटा दो और इसके बदले इसके सेंटर में, क्यों ऐसे अभी के लिए सेंटर में, जरूरी नहीं कि सेंटर में होता है, बट ये स्टूपिड क्वेश्चंस में सेंटर में है, मैं बोल रहा हूं है तो ले लो, है ना, इसके सेंटर में इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा। ओके, तो सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से कितना ऊपर है, लेंथ एल है तो एल बाय टू ऊपर है, तो एच की वैल्यू हो गई एल बाय टू, सो एम जी एल बाय टू दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट है क्या किसी को बच्चों, पक्का पक्का 200% एकदम मस्त क्लियर ग्रेट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन पोजिशन ए इज -40 जूल। ओके, यहाँ पोजिशन ए, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है -40 जूल। वर्क डन बाय द कॉन्जर्वेटिव फोर्स इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ए टू बी इज -20। यहां से इसको कोई तो यहां लेकर के गया और इस प्रोसेस में कितना काम किया उस पे, -20 जूल। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी इन पोजीशन बी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। बोलो बात समझ में आई सबको, इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। अभी अभी सीखा ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव वर्क डन। क्यों नेगेटिव वर्क डन वो भी बता, चल अभी फिलहाल नेगेटिव वर्क डन। चल फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी पता नहीं मुझे, इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी है -40 और वर्क डन करना पड़ा -20, सो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज 20 - 40 विच इज -20 जूल। That is the potential energy at position B. Everybody clear? बहुत simple लड्डू सवाल था, एकदम 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 yes? Yes sir. Perfect. चलो, if work done by a conservative force is positive, then select the correct option. चलो बताओ, work done by a conservative force is positive, अगर then सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू -W, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। यस, नाउ इफ द वर्क डन इज पॉजिटिव, कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। यस, पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज और डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो कुछ हम बोल ही नहीं सकते, काइनेटिक एनर्जी तो आउट ऑफ पिक्चर है, ये कॉन्सेप्ट ही पूरा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव वर्क डन फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए एप्लीकेबल, पोटेंशियल एनर्जी के लिए एप्लीकेबल। ओके, नाउ इफ द कंजर्वेटिव फोर्स इज पॉजिटिव, अगर ये वर्क डन फोर्स पॉजिटिव हो गया तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल इज नेगेटिव
है ना, फाइनल माइनस इनिशियल इज नेगेटिव, मतलब कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, है ना, ये छोटा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कम है ना, है ना, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है। यस, देखो यहाँ पे इस एग्जांपल में, देखो इस एग्जांपल में देखो बच्चों, वर्क डन इज नेगेटिव और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मेरी आई है 20 जूल, मुझे बताओ कौन बड़ा है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, हाँ कि नहीं, ये क्यों हुआ, क्योंकि वर्क इज नेगेटिव, अगर वर्क पॉजिटिव होता, इसका काउंटर क्वेश्चन है, अगर वर्क पॉजिटिव होता तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी छोटी होती है ना, अरे ये बड़ा है ना भाई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बड़ा है, -20 इज बिगर, है ना, क्या सबको समझ में आया, एवरीबॉडी, यस यस, ओके, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू ए इज 60 जूल, क्या बात है, देखो यहाँ पे एक बॉडी है ए, इसको इंफिनिटी से, इंफिनिटी इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो अज्यूम करने का, ओके, इसको इंफिनिटी से एक पॉइंट ए पे लाने के लिए, यस ए नाम दे दिया, लगता है मुझे 60 जूल ऑफ वर्क डन, वर्क इज इक्वल टू 60 जूल लग गया इसको यहां से लाने के लिए, एंड टू बी इज 20 जूल, बी को कहां पे लाने के लिए, यस, एंड टू पॉइंट बी, इसी ऑब्जेक्ट को बच्चों, एक ऑब्जेक्ट है, इसको ए पॉइंट पे लाने के लिए 60 जूल का काम करना पड़ा, और इसको अगर बी पॉइंट पे लाना है तो मुझे वर्क डन करना पड़ता है 20 जूल, यस, व्हाट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी, ओके बच्चों, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी एट ए, ए की पोटेंशियल एनर्जी बताओ 60, हाँ कि नहीं, अरे जीरो से लेकर के ए पर लेकर के आए तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, -60 जूल, बोलो बात समझ में आई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, फाइनल लेकिन नेगेटिव है, तो ओके, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, बी पे लाने के लिए -20 जूल, -20, वेरी गुड, वो बोल रहा है फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी माइनस ए, सो -20 माइनस ऑफ -60, that is equal to how much? 40 joules, है ना? तो potential energy, अगर आपको बस ऐसे बोल दे कि ये point पे इस body का potential energy बताओ, नहीं बता सकते, you cannot define potential energy individually at a point, आपको अगर potential energy बताना है तो आपको बताना पड़ेगा किसके reference में, किसके respect में, है ना, तो वो है इंफिनिटी, कहीं तो दूर हम मानते हैं इंफिनिटी, मतलब कहीं तो बहुत दूर हमने अज्यूम करके रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ना, क्या सब बच्चों को पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सब कुछ समझ में आया, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं, अहेड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बिफोर दैट, बिफोर वी मूव ऑन टू इक्विलिब्रियम, लेट मी जस्ट, चलो कर ही लेते हैं पहले इक्विलिब्रियम, फिर टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, बच्चों इक्विलिब्रियम का मीनिंग तो आपको पता ही होगा, द नेट फोर्स जहां पर जीरो होता है वहां पर हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, वैसे तो एक और रहेगा आगे चल के, नेट टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, नेट टॉर्क, टॉर्क के बारे में कुछ नहीं पता फिलहाल, में नेट फोर्स जीरो बोल देता हूं, व्हाट इज इक्विलिब्रियम, अगर कोई बॉडी रखी है और उस बॉडी पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता, सॉरी एक बॉडी रखी है और उस बॉडी पे एक्ट करने वाले सारे फोर्सेस का सम अगर जीरो है तो हम बोलेंगे बॉडी इक्विलिब्रियम, यस ये हम पहले भी करते थे, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने बोला इक्विलिब्रियम लॉ है, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बैलेंस इक्विलिब्रियम, लेफ्ट का फोर्स राइट का फोर्स बैलेंस इक्विलिब्रियम, है ना, सो व्हेन द फोर्सेस नेट फोर्स इज जीरो हम बोलते हैं कि एवरीथिंग द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, सारे फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ओके, नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम,
बार बार हर चैप्टर में इक्विलिब्रियम की बात होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी. सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपको अच्छे से समझ में आए. थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आर स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. प्लीज ध्यान दो, एकदम बच्चों वाली लैंग्वेज में पहले समझा देता हूं. ये है एक रिंग, ये है एक और रिंग, और ये है प्लेन ग्राउंड. ठीक है, इस रिंग में, ठीक है, कॉमन सेंस से बता देना यार, एक बॉल को मैंने यहां पे रख दिया, ओके, मैंने इसको धक्का मारा इधर ऐसे, बस ऐसे टच करके छोड़ दिया, क्या होगा जल्दी से क्या होगा? So it will move and then again come back to its position. Very good. यहां से अगर मैं उसको धक्का मार दू, yes, so it will come back to its original position. है ना? अगर मैं उसको इधर से धक्का मार दू तो भी वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आना चाहेगा. यस, वेरी गुड. सेकंड, एक बॉल को मैंने यहां रख दिया और अगर मैं इसको यहां से धक्का मार दू तो कोई बताएगा क्या मुझे? इतना डिफिकल्ट सवाल. इट विल फॉल डाउन और इट विल नॉट कम बैक to its original position. It will not come back to its original position. Or इस बॉल को यहां पर अगर मैं धक्का मार दू तो ये सीधा आगे की तरफ चलता रहेगा. Very good. बच्चों, ऐसा केस वेर, बच्चों तीनों में एफ नेट जीरो है, यहां पर भी नेट फोर जीरो है, यहां पर भी नेट फोर जीरो है और यहां पर भी नेट फोर जीरो है शुरू में. इफ द ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन, इसको मैं बोलूंगा स्टेबल इक्विलिब्रियम. इफ इट इज नॉट कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मैं उसको बोलूंगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. और अगर ऐसा कोई सिनारियो है ही नहीं कि अपने पोजिशन पे वापिस आए नहीं आए, वो सीधा प्लेन सरफेस पे चलता जा रहा है, इसको मैं बोलूंगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ये हो गया एक तरीका समझने का. क्या सबको समझ में आया स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? न्यूट्रल को फिलहाल साइड में रखो. स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑब्जेक्ट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन तो मैं बोलूंगा स्टेबल इक्विलिब्रियम. मतलब धक्का मारो वापिस आएगा, धक्का मारो वापिस आएगा, धक्का मारो वापिस आएगा, उसकी जगह छोड़ना नहीं चाहता है वो. इट वॉन्ट्स टू स्टे एट इट्स पोजिशन. अगर कोई इंसान अपनी जगह छोड़ देता है इमीडिएटली इवन विद अ वेरी स्मॉल फोर्स, तो मैं उसको बोलता हूँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके सर. फॉर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन एफ नेट जीरो, कैसे बैठा है ना चुपचाप अपनी जगह पे, चुपचाप बेचारा बैठा था एफ नेट जीरो, ऑल फोर्सेस आर नॉट, है ना, इसको बोलते हैं स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. आज के बाद जब भी स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे मैं यही बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया या आना चाहता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, वो अपने पोजीशन पे नहीं आया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या खासियत है? अगर आप स्टेबल अनस्टेबल को कंपेयर करो, बच्चों न्यूट्रल को फिलहाल दो मिनट साइड में रहने, स्टेबल अनस्टेबल को कंपेयर करो, है ना, तो क्या ये अपनी मिनिमम हाइट के ऊपर है? यस, ये ऑब्जेक्ट अपनी मिनिमम पॉसिबल हाइट पे है ना. वेरी गुड. ये ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम पॉसिबल हाइट पे है. यस, अरे इससे ऊपर पे ले जाने वाला नहीं उसको, है ना, सर्कल के यहां भी हो सकता था, यहां हो सकता था, यहां हो सकता था, यहां हो सकता था, नहीं, बट मैक्सिमम हाइट पे है फिलहाल, तो मैक्सिमम हाइट पे है. मिनिमम हाइट पे है मतलब उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है. हाँ, क्या बात है, मतलब उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है. वेरी गुड. और दूसरे केस में इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है. हाँ, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एंड
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। कोई भी इंसान अपने मिनिमम पोटेंशियल स्टेट में आने की कोशिश करता है, इट ऑलवेज वॉन्ट्स टू रिमेन इन द मिनिमम पॉसिबल एनर्जी लेवल, तो इसीलिए वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, है ना। यहाँ से आप इसको डिस्प्लेस करो बच्चों, यहाँ पे पहुंच जाएगा, हाइट बढ़ गई थोड़ी सी हाइट बढ़ गई, इट विल ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, मिनिमम हाइट पे आने की कोशिश करेगा। इसको आप और डिस्प्लेस कर दो, मिनिमम वापस आ जाएगा नीचे, है ना। सो इट विल वॉन्ट टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, है ना बच्चों। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब हुआ, क्या मिनिमम मैक्सिमा मिनिमा का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है डेरिवेटिव्स में? यस, मैक्सिमा मिनिमा का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यस। तो ये है यू, और यू इज इक्वल टू जीरो, यू क्या है, इक्वल टू जीरो है, ओके। ये देखो ना, यू इज इक्वल टू जीरो। नाउ ये क्या कर रहे हैं हम, इसको एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर रहे हैं, एक्स डिस्टेंस उसके सेंटर से, प्लीज ध्यान दो, उसके सेंटर पोजीशन से उसको एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर रहे हैं, या छोटा सा डिस्टेंस डिस्प्लेस करो dx, इतना सा बच्चो मैं उसको इतना सा dx डिस्प्लेस करता हूं, तो क्या उसका पोटेंशियल एनर्जी इतना सा चेंज होगा? यस, क्या उसका पोटेंशियल एनर्जी इतना सा चेंज होगा? तो मैं यहां बोलता हूं du by dx इज इक्वल टू जीरो। क्या उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है ना, फिलहाल छोड़ दो, आप इसको फिलहाल छोड़ ही दो, है ना। क्या आपको इतना समझ में आया स्टेबल अनस्टेबल के बारे में, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी? ठीक है, क्वेश्चन लेंगे ना हम, तब मैं सॉल्व करने का तरीका भी बता दूंगा, आ जाओ। लेट डिफरेंशिएट बिटवीन, अरे ये आ गया पहले, अच्छा पहले ये करो, डिफरेंस बिटवीन स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आपका नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो, एब्सोल्युटली, है ना। डीयू बाई डी आर दैट इज द स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ इज जीरो। चलो पहले ग्राफ बताना ही पड़ेगा मुझे आपको, अच्छा बच्चो ये है u, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और ये है उसका डिस्प्लेसमेंट x, है ना। देखो जैसे ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना x, अरे ये डिस्प्लेसमेंट कितना आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हो, कितना आप उसको डिस्प्लेस कर रहे हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाए, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ओके। मुझे बताओ ये जो ग्राफ है यहाँ पे इसका स्लोप कितना होगा, कम ऑन जल्दी से, जीरो जीरो। यहाँ पे इसका स्लोप कितना होगा, जीरो जीरो। यहाँ पे इसका स्लोप कितना होगा, जीरो जीरो, है ना, बहुत बढ़िया। अब मैं एक बॉल ले लेता हूँ बच्चों, और इस बॉल को यहाँ पे रख देता हूँ, है ना। क्या ये अपने मिनिमम पोटेंशियल पे है? अरे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है ना, कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया बताओ मुझे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल स्टेबल, यहाँ पे वेरी गुड, यहाँ पे होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, आर पॉइंट पे, आर पे स्टेबल स्टेबल, वेरी गुड, है ना। क्यू पॉइंट पे कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप बोलोगे सर ये तो ग्राफ है, एक्चुअली थोड़ी ट्रेवल कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुई कि नहीं हुई, हाँ यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हुई कि नहीं हुई, हुई, ठीक है। यहाँ पे फिर से पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई, आप बोलेंगे नहीं नहीं सर यहाँ पे मिनिमम नहीं है, अरे इतना पार्ट अगर मैं सिर्फ देखू तो मिनिमम पोटेंशियल है, राइट। तो बोलने का पॉइंट ये है कि जहां जहां स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है वहां वहां द स्लोप ऑफ यू वर्सेस एक्स ग्राफ इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स डीयू बाय डीएक्स इज इक्वल टू जीरो। कहां पे, जहां जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और वही तो हमने बोला था कि नेट फोर्स जीरो है। व्हाट इज डीयू बाय डीएक्स, डीयू बाय डीएक्स फोर्स ही तो होता है, अरे डीयू बाय डीएक्स वाज नेट फोर्स,
है ना. चलो फिलहाल के लिए इसको हटाओ. डीयू बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो कहां पे, जहां पर भी स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. स्लोप एट पी क्यू आर इज जीरो. पी एंड आर आर एट स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड क्यू इज एट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. तीनों पॉइंट पे स्लोप जीरो होता है. वेरी गुड. अब ये एक्स क्या है इसको समझना बच्चों. एक्स है उसको अपने सेंटर से कितना डिस्प्लेस किया, इसको अपने सेंटर से कितना डिस्प्लेस किया. ओके देखो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा. चलो मैं आपको थोड़ा यहां समझाता हूं. आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसा ग्राफ है पता नहीं क्या. ठीक यहां पे है. ओके डिस्प्लेसमेंट कितना है जीरो. ओके इसका थोड़ा सा सेंटर से यहां ले लो. देखो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया तो जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा. डिस्प्लेसमेंट और बढ़ा पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ा. डिस्प्लेसमेंट और बढ़ा पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ा. डिस्प्लेसमेंट और बढ़ा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया. यस यस फिर नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है घट रहा है घट रहा है. यस तो बेसिकली क्या हो रहा है ना बच्चों ये ग्राफ है. दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल अपने सेंटर से कितना आगे जा रहा है या कितना दूर जा रहा है. तो पोटेंशियल एनर्जी कभी घटेगा कभी बढ़ेगा कभी घटेगा कभी बढ़ेगा. तो कोई भी सिचुएशन ले लो उसमें पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ. ठीक है रोलर कोस्टर होता है ना ये ऊपर जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया फिर घट गया फिर बढ़ गया फिर घट गया. उस तरह से कुछ ग्राफ दे रखा है. ओके चलो वेरी गुड. तो ये ग्राफ दिया है. आ जाओ सेकेंड पॉइंट देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है. बोल रहा है डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू जीरो द स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ इज जीरो. यस द स्लोप ऑफ डी यू बाई डी आर इज जीरो. स्लोप ऑफ यू आर ग्राफ इज जीरो. और यहां पर तो डेफिनेटली जीरो है भैया. स्लोप स्लोप ऑफ द ग्राफ इसके लिए है ना इसके लिए तो जीरो ही रहना है. इसका स्लोप हमेशा जीरो. इसको कोई फर्क नहीं पड़ता स्टेबल है अनस्टेबल है मैं मेरा चल रहा हूं कोई टेंशन नहीं है ना. चलो थर्ड पॉइंट देखो एवरीबडी. ओके थर्ड पॉइंट when displaced from its equilibrium position the net restoring force starts acting on the body which has a tendency to bring back to its equilibrium position. restoring force act karega na ye hai yahan se aapne force lagaya upar gaya to koi to aur force laga niche ki taraf restoring force wo apni jagah pe wapas aana chahega. okay waise hi when displaced from its equilibrium position yes away from आगे चला जाता है वो. यस नीचे की तरफ गिर जाएगा. और ये देखो व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन बॉडी हैज नाइदर टेंडेंसी टू कम बैक और मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन. उसकी कोई टेंडेंसी नहीं है दूर जाना पास जाना. उसको जिधर फोर्स लेके जाएगा वैसे वैसे वो आगे जाते रहता है. ओके वेरी इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एनर्जी इन इक्विलिब्रियम पोजिशन इज मिनिमम As compared to the neighborhood point, आजू बाजू के आस पास के पॉइंट के कंपेरिजन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है. बच्चो yes, ये ऑब्जेक्ट ले लो R पे. टेक दिस ऑब्जेक्ट एट R. इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके आस पास के जो पॉइंट है उनके कंपेरिजन में मिनिमम है. राइट तो वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में. पूरा सब कुछ नहीं कंपेयर करेंगे. मैंने आपको क्या बोला था मैंने आपको बताया कि बच्चों सिर्फ इतना कंसीडर करो. क्यों क्योंकि उसके आसपास के पॉइंट्स के कंपैरिजन में उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है. मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अगर होती है यस इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा. मिनिमा पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है. अब जिसको याद नहीं है वो डेरिवेटिव का बेसिक मैथमेटिक्स का सेशन में मिनिमा मैक्सिमा रिवाइज करके आना. ठीक है क्योंकि मैं तो इसके न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा. अभी मैं बोल रहा हूं डी टू वाई बाई डी आर स्क्वायर मतलब एनर्जी का डेरिवेटिव स्लोप वॉज जीरो उसका डबल डेरिवेटिव लोगे तो स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए. इसका स्लोप नेगेटिव आता है और इसका स्लोप डबल डेरिवेटिव भी जीरो आता है. अच्छा इसके क्वेश्चन कराएंगे तब और ध्यान में आएगा कि इसको यूज कैसे करना. ओके व्हेन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी गोज अप. ऑब्वियसली सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब
सेंटर ऑफ मास ऐसे समझ लो अभी के लिए, राइट right? ओके कैसे आ जाओ, यहाँ इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हाँ ठीक है, अब इसको डिस्प्लेस करेंगे यहाँ आ जाएगा, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो ऊपर शिफ्ट हो गया, अरे ऐसा पॉइंट जहां पे ग्रेविटी एक्ट है ना, यहाँ लेके जाओगे तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ऊपर चला गया, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम से उसको हटाओगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर ऊपर जाएगा, अनस्टेबल से अगर हटाओगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे नीचे आता रहेगा, वेरी गुड, और न्यूट्रल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हाइट पे रहता है, एकदम सिंपल, राइट, व्हेन डिस्प्लेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम्स डाउन, व्हेन डिस्प्लेस फ्रॉम इक्विलिब्रियम सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स एट द सेम लेवल, ओके इसको अगर और अच्छे से समझना है मैं न्यूमेरिकल करा ही देता हूं, पहले डाउट नहीं पूछूंगा, यस yes? सारी चीजें क्लियर होती जाए, देखो फॉर द पोटेंशियल एनर्जी कर्व शोन इन फिगर, ठीक है ये देखो पोटेंशियल एनर्जी कर्व बोलते हैं इसको, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट इज पोटेंशियल एनर्जी कर्व, फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ फोर्स एट ए बी सी डी ई, बच्चों फोर्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी आर, नेगेटिव नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी आर, क्या सब लोग ये मानते हो, वंस अगेन देखो हमने क्या सीख रखा है, हमने सीख रखा है डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डी एक्स या डी आर, कुछ भी डी एक्स बोलो डी आर बोलो डी एस बोलो चलता है, माइनस ऑफ एक्स डी एक्स, वेरी गुड, तो क्या मैं बोल सकता हूं डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ, हाँ वेरी गुड, ठीक है, व्हाट इज डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स इज द स्लोप ऑफ यस यू वर्सेस वी ग्राफ, यू वर्सेस वी, यू वर्सेस एक्स ग्राफ, सॉरी वेरी गुड, चलो आ जाओ यहां पे हम लोग कुछ चीजें कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट ए बी सी डी एंड ई पे हम लोग देखेंगे डी यू बाई डी एक्स का स्लोप कैसा है, du by dx का स्लोप एट पॉइंट ए, तो बच्चों क्या मैं यहाँ पे टेंजेंट बना सकता हूँ, इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, एट पॉइंट बी यहाँ पे टेंजेंट बनाई इसका स्लोप पॉजिटिव, बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए इसके लिए, ओके पॉइंट सी यहाँ पे टेंजेंट बनाते हैं इसका स्लोप तो मुझे नेगेटिव है ना, वेरी गुड, पॉइंट डी, डी पे स्लोप देखो नेगेटिव, और बच्चों पॉइंट ई, ई पे तो स्लोप है जीरो, जीरो, हमको इसका स्लोप नहीं पूछा है, हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन पूछा है, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट ए बी सी डी ई है ना, तो अगर डी यू बाई डी एक्स का डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव है तो फोर्स क्या है, फोर्स इज नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी एक्स, वेरी गुड, तो बच्चों इसका नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव, इसका नेगेटिव हो जाएगा नेगेटिव, इसका नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, इसका नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, और ये तो जीरो रहेगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट ए, नेगेटिव डायरेक्शन है फोर्स का ए के ऊपर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट बी, नेगेटिव, एट सी पॉजिटिव, एट डी पॉजिटिव एंड एट ई जीरो, मतलब जीरो फोर्स एक्ट हो रहा है एट पॉइंट ई, फाइंड द पोजिशन ऑफ स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यहां से स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बताओ, तो कहां कहां कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है कौन सा न्यूट्रल है, कौन बता रहा है फटाफट, सर ए एंड बी इज स्टेबल, ए एंड बी स्टेबल, अच्छा ओके सर ई स्टेबल है, ई स्टेबल है, अच्छा ओके सर ए और सी न्यूट्रल होंगे, ए और सी न्यूट्रल में होंगे, अच्छा मुझे नहीं पता आप बताओ, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये ए का सोल्यूशन, मैं यहाँ बी का सोल्यूशन करने वाला हूँ, हाँ कम ऑन गाइस, कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, सर ई स्टेबल, ई स्टेबल, ओके और वो बोल रही है सर ई स्टेबल है, ई स्टेबल इक्विलिब्रियम में, क्या रीजन, रीजन बताओ उसका, सर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ओके वेरी गुड, वो बोल रही है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है और
और सर सेम इससे डी भी हो जाएगा, बी अनस्टेबल है। ओके डी अनस्टेबल है, किधर है डी? डी कैसे अनस्टेबल सर? बी 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 या डी? बॉम्बे या दिल्ली? सर बॉम्बे। बॉम्बे अनस्टेबल है, बॉम्बे अनस्टेबल है। इसके आसपास के पॉइंट्स देखो आप जरा, इसके आसपास के पॉइंट्स देखो, क्या इसका पोटेंशियल एनर्जी आसपास के पॉइंट्स के कंपैरिजन में मैक्सिमम है? नहीं। अरे कहां मैक्सिमम है यार इसका, यहां देखो ना एनर्जी यहां पे। अरे मान लो ना वहां एक पॉइंट है ई एफ, मान लो वहां पे अगर मैं बॉल यहां देखू, इस पोजिशन पे देखू बच्चों, इस पोजिशन पे अगर मैं देखू तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। वेरी गुड, तो बी पे कैसे मैक्सिमम हो सकती है ना? तो यहाँ तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बी इज नॉट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ओके और बताओ। अच्छा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का, वन सेकेंड, सबसे पहले वेयर डू यू हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी? कम ऑन टेल मी, कौन से पॉइंट में मिनिमम है? ई पॉइंट। ई पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, देखो यहाँ पे ई पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, सो ई इज माय स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम बिकॉज वहां पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम? यस दैट्स इट, एक ही पॉइंट है जो हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में दिख रहा है। अच्छा ये अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कोई पॉइंट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों? यस इस पॉइंट पे है, जिसको मैं एफ बोल दूं क्या अभी के लिए? एफ पॉइंट पे है। यस ये एट एक्स इज इक्वल टू टू, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? एट एक्स इज इक्वल टू सिक्स, एट एक्स इज इक्वल टू सिक्स मुझे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलता है, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट एस एक्स इज इक्वल टू टू है ना। तो ए बी सी डी ई में से नो वन इज अनस्टेबल, नो अनस्टेबल पॉइंट, कोई भी अनस्टेबल नहीं है ए बी सी डी ई में से। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे एफ पॉइंट दे देता तो एफ पॉइंट मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाता। आपको बोल रहे हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बताओ, तो भैया न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कोई है क्या यहाँ पर? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम? ए एंड सी, जीरो पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ पे किधर गया, यस द ग्राफ का स्लोप ये होना चाहिए। व्हेन किधर गया वेयर इज दैट पॉइंट? हाँ आप बोल रहे हो ए और सी। देखो पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट इवन इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन, मतलब उसका डबल डेरिवेटिव जीरो आना चाहिए। ग्राफ का डबल डेरिवेटिव भी जीरो होता है, डेरिवेटिव तो जीरो होता ही होता है। नाउ यू आर टेलिंग मी कि ए पॉइंट पे, यस भैया ए तो पहली बार इक्विलिब्रियम में नहीं, क्या इसका स्लोप जीरो है? नहीं स्लोप जीरो नहीं है तो इक्विलिब्रियम में है क्या? इक्विलिब्रियम में ही नहीं है भैया, स्टेबल अनस्टेबल तो बहुत दूर की बात है। फिर किसी ने सी पॉइंट बोला, सी पॉइंट, हाँ सी पॉइंट बताओ, स्लोप ही जीरो नहीं है तो स्टेबल अनस्टेबल तो बहुत दूर की बात है। यस यस एवरीबॉडी, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में भी कोई भी नहीं, देयर इज नो पॉइंट व्हिच इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो स्टेबल में एक पॉइंट है ई, अनस्टेबल में कोई भी नहीं है, अगर मैं एक्स्ट्रा पॉइंट एफ लगा दूं तो अनस्टेबल में, बाकी नथिंग, ठीक है। अब आ जाओ इसके पास, अब प्लीज ध्यान दो इस क्वेश्चन पे। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स इज गिवन बाय दिस, कोई तो फोर्स लगाया कंजर्वेटिव, उसका पोटेंशियल एनर्जी दे दिया, वेयर ए बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड डिस्कस वेदर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल। सबसे पहले गाइस यू इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम? फॉर इक्विलिब्रियम डी यू बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना। क्या मैं इसको पहले हमारा मेन फॉर्मूला लिख दूं? एफ इज इक्वल टू माइनस
du by dx. Very good. तो फोर्स कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2ax minus b. 2ax minus b is the amount of force जो उस पे act हो रहा है. What is the condition for equilibrium? For equilibrium, बच्चों, du by dx should be equal to zero. है ना? तो du by dx क्या है मेरा? 2ax minus b should be equal to zero. यहां से मुझे मिलेगा 2ax is b, x is equal to b upon 2a. Yes? So at x is equal to b upon 2a, equilibrium है. देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो एट एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टू ए इक्विलिब्रियम है. देखो यहां पे एट एक्स इज इक्वल टू सिक्स इक्विलिब्रियम है. किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम आने वाला है, किस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम आने वाला है? तो एट एक्स इज इक्वल टू टू पे इक्विलिब्रियम आने वाला है. फिर बोल रहा है क्या वो स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है? तो बच्चों स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल के लिए मुझे क्या मिला, देखो du by dx is equal to 2ax minus b. ओके, वेरी गुड. अब मैं लूंगा इसका डबल डेरिवेटिव. डबल मतलब d2u upon dx square is equal to, इसका डेरिवेटिव ले लो, ये हो जाएगा 2a minus 0, that is nothing but 2a. इन्होंने बोला है a एंड b आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, मतलब दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो. क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है? हाँ है. आ जाओ यहाँ पे देखो जरा. सी इफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव देन स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो मैं बोलूंगा एज दिस इज ग्रेटर देन जीरो इट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम. है ना? When d2y by dx square is positive, हम बोलते हैं it is point of minimum. Yes, it is point of minima. अगर याद होगा मैक्सिमा मिनिमा का थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट हो, ठीक है? तो पहला हमने फाइंड किया इक्विलिब्रियम कहाँ है, दूसरा हमने फाइंड किया कौन सा इक्विलिब्रियम है. Yes, कौन सा इक्विलिब्रियम है फाइंड करने के लिए आपको डबल डेरिवेटिव लेना. क्या सबको समझ में आया? अब बताओ एवरीबडी, एवरीबडी कमेंट. यस सर. यस सर. ओके. यस सर. अगला सवाल करते हैं फिर. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज दिस. पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय दिस. अरे बट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मिस हो गया. Potential energy of particle is given moving along x-axis is given as this. Okay, बोल रहा है find the position of, find, yes, position of stable and unstable equilibrium. Okay, आ जाओ. क्या करे क्या करे क्या करे? du by dx is equal to zero होता है. Correct? जहां जहां stable या unstable है du by dx zero होता है. चलो इसका डेरिवेटिव निकालो. तो जरा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाय 3 पे एज इट इज हो जाएगा. माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4x इज 4 और 6 का तो 0 इक्वल टू 0. सो ये 3 से 3 कट गया. व्हाट आर वी लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2. यस, तो इक्विलिब्रियम तो है एट x इज इक्वल टू 2 and at x is equal to minus 2, equilibrium है. Equilibrium है मतलब क्या है? अरे equilibrium है मतलब net force उस पे act होने वाला 0 है, बाकी कहीं भी उस पे net force 0 नहीं रहेगा. Equilibrium है मतलब एक object है, object कहीं तो घूम रहा है, x axis पे आगे जा रहा है. देखो ये x axis पे object आगे जा रहा है. आप बोलोगे सर क्या, देखो ना मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस. लेकिन सीन क्या है ना बच्चों, ये जब एक्स एक्सिस के अलोंग आगे जा रहा है ना, या मान लो ये यहाँ है माइनस टू, यहाँ है प्लस टू, थ्री, फोर. जब ऑब्जेक्ट यहाँ है उस पर एक्ट होने वाले नेट फोर्सेस जीरो है. जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा उस पर कोई ना कोई नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा. जब ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा तो फिर से नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है इक्विलिब्रियम में. आगे गया तो फिर अगेन फोर्सेस उस पे एक्ट कर रहे हैं, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट.
है ना, अब कौन सा इक्विलिब्रियम है, कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये कैसे करेंगे हम लोग, देखो हमको क्या मिला, du by dx है ना, की वैल्यू हमको क्या मिली, x square minus 4, ले लो d2u upon dx square is equal to 2x, is equal to 2x, very good, एक बार मैं डालूंगा x की वैल्यू 2 और एक बार मैं डालूंगा x की वैल्यू minus 2, ये क्या आया 4 that is greater than 0, ये क्या आया minus 4 that is less than 0, तो ये हो गया stable equilibrium और ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या सब बच्चों को समझ में आया कि कौन से इक्विलिब्रियम में है, क्या है, कब है, कहाँ है, कैसे है? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो फिर ये सवाल अभी करके बताओ, कम ऑन डू इट, वेरी गुड, है ना? स्टॉप एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ टेबल, यहाँ स्लोप जीरो इक्विलिब्रियम, यहाँ स्लोप जीरो इक्विलिब्रियम, पोटेंशियल एनर्जी फोर्स गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ नहीं है, द ग्राफ इज फोर्स वर्सेस एक्स, ठीक है, क्या ये नोटिस किया सबने, और अगर किया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, रीथिंक सर, पर फोर्स इक्वल, सबसे पहले बिना क्वेश्चन देके आपने आंसर किया कि बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है और डी स्टेबल इक्विलिब्रियम में, बट आपने ये नहीं देखा कि ये फोर्स वर्सेस एक्स का ग्राफ है ना कि यू वर्सेस एक्स का, तो ये भी आंसर गलत, ये भी आंसर गलत, है ना? अगर देखा जाए तो पॉइंट बी पे कुछ तो फोर्स एक्ट हो रहा है, तो ये तो इक्विलिब्रियम में ही नहीं है, ये भी इक्विलिब्रियम में ही नहीं है, ये सारे पॉइंट इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये सारे पॉइंट इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये नेट फोर्स कहां जीरो है, पॉइंट ए पे, पॉइंट सी पे और पॉइंट ई पे, ये तीनों ही पॉइंट या तो इक्विलिब्रियम में है, या तो ना इक्विलिब्रियम में है तो कौन सा इक्विलिब्रियम, या तो स्टेबल या तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कैसे पता करे, कैसे पता करे, कैसे पता करे। चल हम क्या करते थे, हम बोलते थे स्लोप ऑफ, अगर आपको टेक्निकली सॉल्व करना है तो ये आ जाएगा du by dx is equal to negative of this is equal to force, negative of this is equal to force, यहां देखो जरा a point पे या a point के ऊपर force is positive and displacement is also positive, force positive है, displacement भी positive है, so work done positive रहेगा, हाँ कि नहीं, work done positive रहेगा, ठीक है, E point को देखो, E point के ऊपर भी, अरे आगे जा रहे हैं ना, displacement आगे बढ़ रही है, positive x direction में, displacement positive x direction में आगे बढ़ रही है, तो displacement भी positive, force भी positive, यहां देखो फोर्स अगेन इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट भी इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप सी को देखोगे तो यहां से आगे फोर्स नेगेटिव है, अरे देखो नीचे सी के नीचे डी तक, सी से लेकर के ई तक फोर्स इज नेगेटिव, ऑफ कोर्स फोर्स इज नेगेटिव बट डिस्प्लेसमेंट इज स्टिल पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव है, वेरी गुड, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस पॉइंट पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इस पॉइंट पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अच्छा फोर्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो इसका मतलब क्या हुआ, एनीबडी, फोर्स पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के, कब से हम यही पढ़े जा रहे क्या बोलता है, हमने बोला यहां से देखो माइनस ऑफ डी यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स, वेरी गुड, ये क्या है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हमने बोला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, क्या ये वर्क डन है, हाँ नेगेटिव ऑफ वर्क डन है, वेरी गुड, यहां से देखो स्लोप पॉजिटिव, सॉरी एफ पॉजिटिव डीएक्स पॉजिटिव,
तो वर्क डन डी यू नेगेटिव हो जाएगा मेरा, और डी यू नेगेटिव हो रहा है मतलब मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो रहा, और उसका ऑपोजिट यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि देखो बच्चों ये नेगेटिव ये पॉजिटिव करेक्ट, तो इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। अगर इसका आंसर नेगेटिव आ जाता है, इसका आंसर अगर नेगेटिव आ जाता है तो ये दोनों मिला करके पॉजिटिव बन जाएगा राइट, माइनस माइनस मिला करके प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस मिला करके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने बोला इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम। एवरीबॉडी क्लियर है? पक्का 100%? यस यस सर। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कैसे है, स्टेबल वाले? अरे डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है ना, अरे ऑब्जेक्ट तो आगे ही जा रहा है ना मैडम, एक्स ये एक्स जीरो है, यहाँ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव ही हो रही है हमेशा, है ना। अरे ऊपर नीचे तो फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, वाई एक्सिस पे फोर्स है, यस सर, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव एक डायरेक्शन में हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें yes, है ना। ओके चलो, दिस आई एम लीविंग फॉर यू एज होमवर्क, वन मोर क्वेश्चन आई एम लीविंग फॉर यू एज होमवर्क, वन मोर क्वेश्चन एज होमवर्क, और मैं करवाऊंगा आपको ये वाला सवाल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इज गिवन बाय दिस, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट एंड एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम, द सिस्टम इज इन स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये भी मैं दे रहा हूँ आपको आज के लिए होमवर्क, लेकिन इसके अलावा मैं दूसरा एक क्वेश्चन करवा दू। देखो अ सर्टन अ पार्टिकल इन सर्टन सॉरी अ पार्टिकल इन सर्टन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हैज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू दिस, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट, कितना फोर्स उस पे एक्सर्ट हुआ है। यस तो बच्चों अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया है, आपको बोल रहे हैं कि कितना फोर्स उस पे एक्सर्ट हुआ है, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं फोर्स इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स, यस फोर्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन फोर्स फोर्स या जो पोटेंशियल एनर्जी है, फोर्स का आंसर देखोगे आप तो थ्री डायमेंशन में दे रखा है, फोर्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एफ जेड के फॉर्म में दे रखा है ना, थ्री डायमेंशन में फोर्स दे रखा है। तो इसीलिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था और बोला था इस पे न्यूमेरिकल एज इट इज बन जाएगा, अब वो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, अरे ये इधर रह गया राइट। देखो एफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डी यू बाय डी एक्स, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, है ना। तो u को x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है, इसको बोलेंगे बच्चों पार्शियल डेरिवेटिव, क्या बोलेंगे इसको पार्शियल डेरिवेटिव। ओके सॉल्व कैसे करना है, फोर्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u, है ना। अब u को देखोगे तो मेरे पास है 20 एक्स वाई जेड, तो क्या मैं इसको लिख दू u इज इक्वल टू 20 एक्स y z raise to minus 1, ठीक है। सिंबल क्या यूज किया था हमने, ऐसा डेल, यस d अपॉन dx। चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फोर्स इज इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x प्लस डेल डेल u अपॉन डेल x डेल y सॉरी डेल u अपॉन डेल y और प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। इसका मतलब ये है कि पहले इसको x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव ले लो x के रेस्पेक्ट में, वेरी गुड। x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लोगे तो 20 का 20 बनेगा, y तो कांस्टेंट है, x के लिए y कांस्टेंट हो गया, x के लिए बच्चों z भी कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो यहां पे आ जाएगा i कैप प्लस, ध्यान दो डेरिवेटिव ऑफ u करना है आपको y के रेस्पेक्ट में, तो जब y इसको देखेगा तो 20 तो कांस्टेंट है, हाँ x भी कांस्टेंट है, हाँ और z भी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ y हो जाता है 1 j कैप प्लस
इसका डेरिवेटिव लेना है आपको z के रिस्पेक्ट में, तो 20 यस x तो कांस्टेंट है, y तो कांस्टेंट है, z का डेरिवेटिव z रेज टू माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होगा, z रेज टू माइनस टू है ना, माइनस z रेज टू माइनस टू है ना, माइनस वन z रेज टू माइनस टू, तो मैं क्या यहां लिख सकता हूं माइनस ऑफ डिनोमिनेटर में z स्क्वायर k कैप, तो यहां से मुझे आंसर मिलता है 20y by z plus 20x by z minus 20xy upon z square k j i. आंसर ऑप्शन बताएंगे मुझे यहां से, फर्स्ट सेकंड थर्ड है क्या, आई गेस थर्ड यस नहीं डी आंसर ऑप्शन है ना, दैट इज आवर आंसर. सबको समझ में आया पार्शियल डेरिवेटिव्स कैसे लिया, देखो ना यार क्या बोला था हमने, force is equal to du by dx, force is equal to du by dx, लेकिन force थ्री डायमेंशन में हो सकता है, तो यहाँ पर देखो थ्री डायमेंशनल फोर्स में आंसर के ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमको u दे दिया उन्होंने, ओके तो अब हमको डेरिवेटिव लेना है, किसके रेस्पेक्ट में लिया जाए, जब x का फोर्स निकालना है तो x के रेस्पेक्ट में ले लो, जब y का फोर्स निकालना है तो y के रेस्पेक्ट में ले लो, जब z का फोर्स निकालना है तो z के रेस्पेक्ट में फोर्स ले लो, और डेरिवेटिव लो उसका x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, और यहां पर होता है आज का सेशन समाप्त.